हो वेरी 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 गुड आफ्टरनून एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना है कॉम्प्लेक्स uh, नंबर को टोटल बता दू तो हम दो हिस्सों में कवर करेंगे राइट कॉम्प्लेक्स नंबर वन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर वन में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका जयबरा टिल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कवर करेंगे ओके okay? एंड uh, जो कॉम्प्लेक्स नंबर टू है उसमें थोड़ी ज्योमेट्री रिक्वायर्ड होती है और uh, उसमें थोड़ा बहुत लोकस टाइप के कंसेप्ट आते हैं जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर टू होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद होगा यानी कि टूवर्ड द एंड ऑफ सिलेबस होगा ओके सो दैट लिटल बिट अबाउट दिस चैप्टर और इसकी डिटेलिंग अभी करते हैं पहले आपको ये बता दूँ जो नए बच्चे हैं वेदांतों के होम पेज पर पे जाके प्ले लिस्ट पर क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिएटेड प्ले लिस्ट में नीचे आओ ट्वेंटी वन नीचे आओ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री यहाँ पे आपको आपके रेगुलर सेशन मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये जो वी जे इलीट लाइव इलेवन चल रहा है जिसमें आपको डेली पढ़ाया जाता है सेशन बाई सेशन चैप्टर कवर किए जाते हैं हर एक सेशन का डी पी पी दिया जाता है चैप्टर खत्म होने पर डीपीपी का डिस्कशन होता है एंड पी वाई क्यू क्वेश्चन करवाए जाते हैं मेन एंड एडवांस दोनों के तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे जितना अब तक हो चुका है और आगे का भी आपको यहीं पर मिलता रहेगा तो जो नए बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और यहां पे आके जो पिछला पार्ट मिसिंग है वो कवर यहां से कर सकते हैं ओके okay, यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इलेवंथ का ट्वेल्थ का इलेवंथ के जो अभी कंप्लीट लास्ट मिनट रिवीजन हमने किए थे 2022 बैच के लिए वो भी आपको यहां मिलेंगे और इसके अलावा जो हम वन शॉट्स करते रहते हैं थोड़ी बहुत चीजें करते रहते हैं जो इलेवंथ के लिए पर्टिकुलर हैं वो आपको इसी प्ले में एड होती दिखती रहेंगी ओके तो दिस इज वेर यू हैव टू लुक फॉर वट इज योर रिक्वायरमेंट गॉड ब्लेस यू बेटा ऑल इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रेगुलर सेशन सारे मिलते रहेंगे ओके okay. अब चलते हैं आज के के सेशन तो आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना है भैया इसके बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत आपको कैसा चैप्टर है क्या करना पड़ता है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है सब बताते हैं राइट right? सो so, आज के टॉपिक जो है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या चीजें मत अभी पढ़ेंगे सब देखेंगे राइट right? उससे पहले सब्सक्राइब फटाफट कर लो अगर नए बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कहते हैं ना सब सर्फर और स्क्रिबल यानी कि सब्सक्राइब काय का टाइम लगा रहे हो रेगुलर तैयारी के लिए यहाँ पर जुड़ जाओ ओके okay? एंड uh, आप सबको पता कि वेदांतु ने इस बार जो किया है जेई मेन में कोई नहीं कर सकता मतलब अभी तक तो नहीं कर सकता था आगे फ्यूचर में आई होप सब सब करें सभी अच्छा पढ़ाएं सभी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएं ताकि ऐसे रिजल्ट्स हर जगह पे आए और हर एक जगह बच्चा आगे निकले ओके, सो थर्ड के अटेम्प्ट तक 45 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया इस बारी विदांतु से अबाउट 700 स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल से ऊपर है ओके सो दिस इज व्हाट यू गेट एट विदांत वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ओके ऑफ कोर्स 100 प्लस सिलेक्शन इन एनटीएससी आल्सो यानी कि अगर आप एनटीएससी के बच्चों के साथ बैठना चाहते हो जो एनटीएससी स्टेज टू क्लियर कर चुके हैं ऐसे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको विधान तो मिलेगा क्योंकि यहां पे 100 से ज्यादा बच्चों का एन स्टेज टू भी क्लियर हुआ है जो इस समय इलेवंथ में हमारे साथ पढ़ रहे हैं राइट तो वो सब पूरी तैयारी करते हैं इस तरह से कोई भी चीज छोड़ते नहीं है रेगुलर सेशन लगाते हैं उसका होमवर्क पूरा करते जो उनको हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाता है पूरा पोस्ट क्लास कॉन्टेंट रेगुलर सेशन में पढ़ते हैं उसकी तैयारी करते फिर टेस्ट देते हैं अपने चेक करने के लिए तो फोर्थ नाइथली टेस्ट होते हैं एंड क्लास के बाद भी अगर कोई डाउट आता, तो आता है तो डाउट ऐप उनके पास रहता है जिससे वो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं ओके okay? और इन क्लास तो डाउट का कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि एक तो टीचर बहुत के हैंड पढ़ाते हैं ऊपर से डुअल टीचर मॉडल है तो अगर कोई डाउट आ भी जाए तो दीज टीचर्स मेक श्योर कि कोई भी डाउट अनहर्ड ना रह जाए ओके सो यस, इट्स अ डूबल टीचर मॉडल एक पढ़ा रहे हैं डाउट ले रहे हैं इंटरेक्शन कर रहे हैं बट जब ये समझा रहे हैं और डाउट फिर भी बीच में बच्चे को कि आ गया अर्जेंसी आ गई तो दिस विल मेक श्योर दिस टीचर विल मेक श्योर कि वो डाउट भी टेकन केयर ऑफ हो जाए गुड इवनिंग एवरीबडी ओके दैट्स ग्रेट प्राची आई होप यू विल डू ग्रेट विद इट ग्रेट गॉड बी टेल यू आफ्टर टू वीक्स आई एम गोइंग टू डू समथिंग जो सभी बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है जो प्रो ले पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है जो नहीं भी ले पा रहे उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा हूँ तो अभी एक दो हफ्ते का वेट करो बस उसको प्लान कर रहे हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे हैं ठीक है एंड ऑफ कोर्स ये रहता है इसका सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपने वन मंथ ले, ले लेना है और इसमें आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपग्रेड कर सकते हो और महीने बाद या पहले आपको लगे कि मुझे फुल कोर्स बाय करना है तो दिस इज ईयर का कंप्लीट कंप्लीट फीस 54,000 फिजिक्स मैथ जे लेवल तक की तैयारी फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड फ्रॉम नाउ टिल योर जे अटेम्प्ट ये आपको इतने में आएगा ठीक है लव यू टू बेटा लव यू टू शेरा तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर वन बेटा ये पीहू इसके बारे में ज़्यादा यदि मुझे है नहीं आई डोंट थिंक कि जो तुम कह रहे हो वो चीज़ है मतलब मुझे वो टर्म इतना अच्छे से पता नहीं जो आप पूछ रहे हो बेटा ओके okay? यस uh, yes, दिव्यांगना जस्ट बस अभी देखो दिव्यांगना बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है YouTube स्टूडेंट्स के लिए भी और जो YouTube के बाद प्रो ले लेते हैं उनके लिए भी और जो YouTube के बाद प्रो नहीं ले पाते उनके लिए भी तो सबके लिए बहुत कुछ आने वाला है जस्ट गिव मी नॉट गिव मी ऑफ कोर्स मतलब फिक्स है वो दो वीक्स बाद दो वीक्स के बाद शुरू होने वाला है ठीक है तो मैं आपको इंटीमेट करूँगा देखो आ, क्या कहते हैं तो उसको आ, होता है जो स्पॉयलर स्पॉयलर कहते हैं क्या क्या कहते हैं तो वो भूल गया वर्ड क्या होता है कि जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले दे देते हैं ताकि मैं वर्ड भूल जाता हूँ यार एक तो ना लिंगो यूज करते हैं बच्चे मुझे आता नहीं है आ, एक तो टीजर होता है एक होता है कि जो स्पॉयलर होता है जो एक पहले पॉइंट बता देते हैं स्पॉयलर ही कहते हैं ना उसको शायद हाँ तो अभी मुझे स्पॉयलर ना बुलवाओ स्पॉयलर हो जाएगा तो बाद में मेरा ही मूड ऑफ हो जाएगा मैंने अपनी ही बात बता दी आपको जो मैं लेके आना चाहता था मैंने खुद ही स्पॉयल कर दिया ठीक है तो so चलो अभी नहीं अभी थोड़ा वेट करो और जल्दी वो आएगा और अभी हम सेशन शुरू करेंगे आज का इस चैप्टर में हमने ये टॉपिक्स हैं जो अभी सारे पढ़ने हैं ठीक है आयोटा क्या होता है पावर्स ऑफ आयोटा क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है उसका अल्जेबरा क्या होता है कॉन्जुगेट किस बला को कहते हैं आर्गेन प्लेन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये सारा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वन में कॉम्प्लेक्स नंबर टू में ज्योमेट्री होती है वो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आएगा अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर वन है बिल्कुल हिमा बिल्कुल बेसिक से विदाउट एज्यूमिंग एनीथिंग आप में से कुछ बच्चों ने आउटा पढ़ लिया होगा शायद स्कूल में या एनसीईआरटी में या कोचिंग में पर यहां पे हम बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल एंड ज़ीरो से शुरू करेंगे ठीक है और शुरू करने से पहले मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूंगा आज ऐसे ही मैं यूट्यूब पर बैठा था तो ऐसे ही रैंडम सर्व कर रहा था सेशन से पहले पंद्रह मिनट मेरे पास थे तो एक गाना आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मतलब मैंने सुना नहीं हुआ पहले बट ऐसे होता है ना सजेशन में आ गया मैंने सुन लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो एक लाइन है पर पंजाबी टिपिकल पंजाबी है तो जिसको पंजाबी आती वो एन्जॉय करे या तो पंजाबी नहीं आती वो एटलीस्ट म्यूजिक एंजॉय कर लो राइट सो so, कुछ ऐसा था हो बिंदी चमके पसीने नाल खुल ने खुल ने कुंडला वाले बाल हो जुत्ती चमके पसीने नाल खुल ने कमला वाले बाल अब इसको थोड़ा सही सुर में गाते हैं मैं बहुत ऊपर ले गया हो जुती चमके पसीने नाल, खुल ने कुंडल वाले बाल, हो चम, हो बिंदी चमके पसीने नाल खुल गए ने कुंडलां वाले बाल अख दे कोल जो तिले उन्हें लुटे सा दिले ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਤੀਲੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਚੂੰ ਟੂੰ ਟੌ ਟੌ ਟਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चलो बेटा अब हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिरिक्स की तो सिस्टर मदर सब कर दिया क्योंकि मुझे लिरिक्स याद नहीं होते अभी मैंने सुना था पंद्रह मिनट पहले जितना मुझे याद था उतना मैंने गा दिया अगली बार ज्यादा याद होगा तो ज्यादा गाएंगे अभी हम सेशन शुरू करेंगे तो आज जो भैया ये चैप्टर का जो सबसे सबसे बड़ा कह सकते हो कि बेस है वो क्या है लोटा इट इज़ नॉट आयोटा ओके इट्स लोटा आप कहोगे सर वर्ड तो आयोटा होता है फिर ये लोटा क्यों लिखा है बेटा क्योंकि ना ये जो टर्म है आयोटा वो एक ऐसा टर्म है अगर इस टर्म को आपने पूरा पानी दे दिया पेड़ बना दिया बीज से पेड़ बना दिया तो बेटा जी फिर ये चैप्टर आपको बड़ा प्यारा लगने वाला है और अगर ये टर्म आपको समझ नहीं आई तो बेटा जी फिर तुम्हारे हाथ में लोटा होगा और तुम टीचर के आगे गिड़गिड़ा रहे होगे सर प्लीज मुझे ये समझा दो मुझे नहीं आ रहा तो लोटा एंड पावर्स ऑफ लोटा ओके सो तो चलो इसके साथ आयोटा की इंपॉर्टेंस पता लगी गई है तो हम आयोटा शुरू करते हैं ऐसा कुछ लिखा होता है कि सो फार टेंथ तक जो होता है ना आपने सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ा होता है रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होते हैं फिर होल नंबर आ जाते हैं फिर इंटीजर आ जाते हैं फिर रैशनल आ जाते हैं इैशनल आ जाते हैं रियल नंबर आ जाते हैं दैट इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम दैट यू आर अवेयर ऑफ टिल योर येंथ क्लास अब एक नया नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल नंबर से भी बड़ा है रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये अब और भी बड़ा नंबर सिस्टम हो गया सर क्या इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम होता है यस yes, बेटा इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम होता है सर तो हम पढ़ेंगे नहीं बेटा वो इलेवन ट्वेल्थ में नहीं आता बाद में आता है बहुत बाद में आता है तो आपने वो नहीं पढ़ना है आपने सिर्फ कंप्लेक्स नंबर पढ़ने हैं तो कंप्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले एक टर्म आती है अयोटा उसको समझना जरूरी है अयोटा की डेफिनेशन होती है रूट ऑफ माइनस वन सर यह कैसा टर्म है हम तो नेगेटिव नंबर के स्क्वेयर रूट निकाल ही नहीं सकते बिल्कुल नहीं निकाल सकते तभी तो ये नया नंबर सिस्टम है इस नए नंबर सिस्टम के लिए हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी जिसे कहते हैं आयोटा जिसकी वैल्यू डिफाइन की जाती है रूट ऑफ माइनस वन तो आओ पहले इस आयोटा पे थोड़ा विचार कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा लोटा तो आओ पढ़े आयोटा सो वी नो दैट इन रियल नंबर रूट ऑफ माइनस वन इज नॉट डिफाइंड बट नाउ हिंदिस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर गोइंग टू डिफाइन इट एंड इज डिफाइन रूट ऑफ 1 वन ओके तो एक चीज मुझे बताओ एक चीज मुझे बताओ uh, अगर x square 1 होता है तो आप कहते हो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 दैट इज प्लस माइनस 1 डू यू ऑल एग्री ये ध्यान से सुनते रहना बहुत छोटी चीज बताऊंगा पर इसका आगे जाके क्लैरिटी के लिए बहुत यूज होने वाला है ठीक है अगर एक्स स्क्वेर माइनस वन है एंड मैंने इस चीज को डिफाइन कर दिया रूट ऑफ माइनस वन को इसको मैंने शॉर्ट में आई कहना शुरू कर दिया इसकी जो वैल्यू है मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है तुम कहते हो रूट ऑफ टू होता है वेरी गुड बेटा होता है रूट ऑफ वन वन होता है वेरी गुड बेटा होता है रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है बट उस वैल्यू को जो भी वैल्यू होती है उसको आई कह देते हैं आई क्लियर उसको आई कहेंगे जो वैल्यू होगी होगी कुछ गंदी मंदी वैल्यू मुझे क्या मतलब पर उसको आई कहेंगे जैसे रूट फोर को टू कहते हैं रूट वन को वन कहते हैं रूट ऑफ माइनस वन को आई कहेंगे आज के बाद वो दिखती कैसे मुझे नहीं पता आई डोंट नो सो फार मुझे नहीं पता थोड़ी देर बाद पता लगेगा दिखती कैसे है पर अभी नहीं पता अभी के लिए आई बोलेंगे तो अगर एक्स स्क्वेयर माइनस वन है तो अब आज के बाद पहले तो नहीं बट आज के बाद मैं एक्स को बोलूंगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन तो मैं एक्स को बोलूंगा प्लस माइनस आयोटा सर जी बात तो अच्छी लग रही है डाइजेस्ट हो रही है डाइजेस्ट हो रही है वेरी गुड तुम तो एक बात बताओ एक बात बताओ अगर मैं तुमसे आई का स्क्वेयर पूछूं यानी के रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वेयर पूछूं तो तुम क्या बोलोगे बोलो रूट ऑफ माइनस वन के स्क्वायर को पूछूं तो क्या बोलोगे सर जो तो आप कह रहे हो उससे तो लग रहा है माइनस वन जो आप कह रहे हो लग रहा है माइनस वन बट सर कहीं ना कहीं हमने तो पढ़ा स्क्वेयर नेगेटिव होता नहीं है स्क्वेयर तो नेगेटिव नहीं होता सर मैं तो इसको वन बोलूंगा ना बेटा ना जब मैं रूट माइनस वन का स्क्वेयर करूंगा मुझे माइनस वन ही मिलेगा जैसे कि अगर मैं तुमसे इस नंबर का स्क्वेयर पूछता हूं तो आप क्या बोलते हो वन तो अब जब मैं इसका स्क्वेयर पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे माइनस वन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई कांसेप्चुअल क्लैरिटी आई आपने x2 को -1 रख के x निकाला था x आया था प्लस माइनस आयोटा यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करें तो -1 मिलता है तो जब तुमने निकाला ही ऐसे है, तो फिर भैया इसका स्क्वायर -1 ही बनना चाहिए 1 तो नहीं बनना चाहिए मजा आया डोंट दोन वरी भावना अब सब समझ आएगा और मजा आएगा राइट तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इट ओके सो स्क्वायर माइनस वन आएगा नेगेटिव होगा क्योंकि इसको बनाया ही ऐसे गया है शाबाश तो इसके साथ आगे चलते हैं वैल्यूज ऑफ पावर ऑफ आयोटा हमने ये तो समझ लिया कि जब मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो मुझे माइनस वन मिलता है अच्छा सर इसके आगे कैसे बढ़ेंगे इसके आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे पॉइंट समझना पड़ेगा वो पॉइंट बेटा तो ये है एक बात बताओ एक बात बताओ ठीक है एक नंबर है माइनस वन एक नंबर माइनस वन ले लेते हैं ठीक है जी ध्यान से सुनना बहुत आराम से एक नंबर है माइनस वन तो ए की पावर वन क्या होगी सर जी माइनस वन की पावर वन ए की पावर टू क्या होगी सर जी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन डू यू एग्री अगर ए माइनस वन है तो ए का स्क्वायर वन होगा हां सर बात तो जमती है अब अब हमारा मेन पॉइंट अब ध्यान से सुना यहां पे बिगिनिंग में बहुत बच्चों को डाउट होता है आयोटा का वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं अगर a स्क्वायर वन आ चुका है तो डू यू एग्री जब मैं a क्यूब निकालूंगा तो a क्यूब की वैल्यू a के बराबर आने वाली है डू यू एग्री दोनों तरह से देखो मैंने माइनस वन का क्यूब करके भी दिखाया वो माइनस वन आया जो कि ए ही था और मैंने इसको तोड़ के भी दिखा दिया ए स्क्वेयर इंटू ए लिख लो ए स्क्र तो ए ही है तो ए आ गया यानी कि ऐसा होता है कि जब आप पावर पावर बढ़ाते जाओ तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि शायद बिगनिंग वाला नंबर दोबारा क्रिएट हो जाए मानते हो तो इट्स अ पॉसिबिलिटी जब आप पावर बढ़ाते जाओ तो हो सकता है जहां से आपने शुरू किया था मुड़कर वही टर्म दोबारा बन जाए एक बात समझो और उसके आगे फिर ये सब खत्म होने वाला है तुमको ये कुछ भी नहीं लगने वाला वंस यू ऑब्जर्व अब ध्यान सुनना वंस यू ऑब्जर्व कि ए स्क्वेयर वन है और ए क्यूब ए है तो बताओ ए पावर फोर जो है वो ए स्क्र होगा मुड़के मानते हो बिल्कुल सर तो अब ना मुद्दा में कंक्लूड करने लगा हूं ध्यान से सुनना अगर तुम पावर्स निकाल रहे हो और एक टाइम पर आकर तुम्हें वैल्यू वन मिल जाए तो अगली पावर जो होती है वो फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाती है अगली पावर फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाती है इतना क्लियर तो फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी तो बेटा जी बस ये छोटी सी बात आपने दिमाग में बिठा ली तो अब देखो कितना घटिया है आयोटा का स्क्वेयर मुझे पता है माइनस वन okay. ओके अयोटा का क्यूब मुझे पता है सर जी आयोटा क्यूब ना जो भी है वो आ, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा होगा आयोटा स्क्वेयर मुझे पता है माइनस वन और आयोटा तो मुझे आयोटा ही पता है आयोटा का कोई मुझे आगे वैल्यू पता ही नहीं कैसा होता है आई तो हमने खुद याद किया रूट ऑफ माइनस वन को आई कहेंगे वो तो कैसा दिखता है उसकी वैल्यू कैसी मुझे कुछ नहीं पता भाड़ में गई शाबाश तो आयोटा क्यूब को मैं कह सकता हूं माइनस आयोटा के बराबर जरा आयोटा फोर देखो बेटा आयोटा फोर को कह सकते हो आयोटा क्यूब इंटू आयोटा या आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हां सर तो अगर तुम पहली चार पावर्स को पेशियंटली निकाल लो आयोटा पार वन तो आयोटा ही होगा i का स्क्वेयर i का स्क्वेयर माइनस वन होगा i का क्यूब क्या होगा एक और i मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन इंटू आई वो माइनस आई होगा i पावर फोर क्या होगा आई स्क्टू आई स्क् वो वन होगा अगर कोई पावर वन आ गई तो उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाएगा मानते हो तो i पावर फाइव को मुड़कर i कह दूं किसी को दिक्कत हो नहीं हो ज्योति मुड़कर i कह दूं किसी को दिक्कत हो नहीं आयोटा पावर फाइव क्या बन जाएगा आयोटा फोर इंटू आयोटा आयोटा फोर तो वन बन ही चुका है तो मुड़कर आ गया आयोटा एग्जैक्टली exactly. तो बस सेम दो रिपीट कर दो माइनस वन माइनस आयोटा वन तो अगर आप जब पावर्स निकालते हो और एक स्टेज पे आके वन आ जाए तो उसके बाद दोबारा रेपीटेशन शुरू हो जाता है आई शाबाश तो अगर अब, मैं, अब, अब अब दिमाग लगा के बताना अगर मैं तुमसे आयोटा पार नाइन पूछूं तो क्या बोलोगे कितनी वैल्यू है सर जी आयोटा पार नाइन ना मुड़ के आयोटा आ जाएगा सर जी जुटी अब दिमाग रहना अब थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूं आयोटा सिक्स आयोटा टेन आयोटा फोर्टीन आयोटा पार फोर्टीन कितना होगा सर जी आयोटा पार फोर्टीन ना सेम होगा आयोटा टेन जैसा टेन सेम होता है सिक्स जैसा आयोटा सिक्स सेम होता तो है बात को खत्म क्लोज करने लगा ध्यान से सुनो आपको अगर कोई भी पावर आयोटा की निकालनी होगी तो आप मेजरली यूज करेंगे यह चीज कि आयोटा की पावर फोर वन होती है बस तो अगर मैं आपसे कोई भी बड़ी पावर पूछ लू आयोटा की पावर वन ट्वेंटी सेवन तुमने डरना नहीं तुमको पता है कि आर फोर तो वन है आर एट भी वन है तो पावर में कोई भी फोर का मल्टीपल आ जाए तो तो वैल्यू वन ही है पावर में फोर आ जाए एट आ जाए ट्वेल्व आ जाए फिर आ जाए तो एक काम करो इसको ना ऐसे लिख दो आयोटा क्यूब डू यू एग्री ये जो है इसे मैं डायरेक्टली वन कह सकता हूं डायरेक्टली वन और इसको अगर वन कह दिया तो बेटा बच्चा हुआ पार्ट तो बहुत पप्पी है कुछ भी नहीं है बहुत ही पप्पी है छोटू सा है बचा क्यूब आयोटा क्यूब आयोटा तो मैं वैसे देख लूंगा माइनस आयोटा शाबाश तो इसीलिए आज के बाद अगर आपको कोई भी आयोटा की बड़ी पावर निकालनी है तो आप उसमें जो फोर का मल्टीपल है पावर में फोर का मल्टीपल उसको बाहर फेंक दोगे क्योंकि वो तो वन बन गया जो बचा हुआ है ना बचा हुआ उससे आंसर आएगा अब बची हुई पावर या तो बेटा जीरो होगी या वन होगी या टू होगी या थ्री होगी बची हुई पावर फोर नहीं हो सकती क्योंकि फोर का मल्टीपल ही तो बाहर निकाला अब बची हुई पावर अगर जीरो है तो बच गया आयोटा पार जीरो भैया एनीथिंग पावर जीरो इज वन बची हुई पावर वन है तो आयोटा पार वन को तो ही कहते हैं बची हुई पावर अगर टू है भैया माइनस वन और बची हुई पावर अगर थ्री है तो आंसर आ गया माइनस आई तो तुम ना आई की कोई भी पावर निकाल दो वो इन चार वैल्यू से बाहर नहीं जाने वाली बाहर जाने वाली नहीं है ठीक है जी आओ अब प्रैक्टिस करते हैं मुझे पूछा गया कि भैया आयोटा की पावर 57 बताओ सबसे पहले 57 में से फोर का मल्टीपल तो बाहर फेंक दो क्योंकि जो पावर फोर का मल्टीपल है वो तो वन बननी है तो बता दो 57 में फोर का मल्टीपल सबसे अच्छा कौन सा जाएगा? 52, 56 आ जाएगा फिफ्टी टू आ जाएगा तो 56 को तो बाहर फेंको ऐसे लिख लो तो आयोटा पार 56 तो बन गया वन तो आपका आंसर आ गया आई पारन आई पावर वन को आई ही कहेंगे शाबाश अगला साल देखो आयोटा पारन ट्वेंटी सीधे वन बोल दूंगा अरे पावर में फोर का मल्टीपल ही बैठा है जब फोर का मल्टीपल बैठा है तो फिर तो पावर वन वन ही बनाएगी वैल्यू बहुत बढ़िया गॉड बेटा शाबाश शाबाश अब यहां पे एक चीज नई सिखाने लगा हूं ध्यान से सीखना जहां तक तो आयोटा पार्ट ट्वेंटी नाइन की बात थी मैंने कहा भैया आयोटा पार्ट ट्वेंटी एट तो बाहर फेंको तो मुड़ घिर के आयोटा बचेगा तुम्हारे पास बट जब बात आई इसकी अब इसको एक चीज ध्यान से सीखना उसका लॉजिक भी आज ही मिल जाएगा तुमको पहली बात तो आयोटा पार हंड्रेड तो साइड पर फेंको तो यह बन गया वन बाय आयोटा अपना चीज पी जाओ कभी भी ना आयोटा को आई को डिनोमिनेटर में नहीं रखते बस आयोटा को पसंद नहीं है डिनोमिनेटर कह लो आई कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा इसका लॉजिक आपको अभी आधे एक घंटे में मिल जाएगा अभी क्यों नहीं लिखते ठीक है मिल जाएगा लॉजिक पर हम कभी आयोटा को नीचे नहीं रखेंगे सर पर नीचे से हटाए कैसे अब ये ध्यान से सुनना आई को नीचे से ऐसे हटाएंगे जब भी आई नीचे आ जाएगा ना इसको अगर मैं आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं ऊपर आई बना नीचे बना आई का स्क्वायर आई का स्क्वायर इज माइनस वन तो ये आ गया माइनस आदि तो सी चीज है पर बिगनिंग में याद कर सकते हो बिगनिंग में बिगनिंग में वन बायोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है बिगनिंग के लिए याद कर सकते हो पर एक टाइम बाद जरूरत तो नहीं पड़ने वाली याद करने की क्योंकि बहुत ही पप्पी सी चीज है तो फाइनल मेरा आंसर आ गया आई माइनस आई जीरो मेरा भाई मेरा भाई गॉड ब्लेस यू अगला देखो लास्ट क्वेश्चन सर अब इसमें दिमाग लगाएं पूरा पूरा कैलकुलेट कर दे कर सकते हो वैसे चार का मल्टीपल जो तो निकालना होता है बट इफ आई एम एट यूर प्लेस हैड आई बीन एट यूर प्लेस मैं काम करता सबको इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय मैं इसको ना कॉमन निकाल देता ताकि अंदर की पावर तो छोटी हो जाए एटलीस्ट क्या कहते हो मानते हो अंदर की पावर तो छोटी हो जाए ना सब में से फोर का मल्टीपल देखना टाइम क्यों लगाएंगे अब मुझे ये वैल्यूज पता है वन तो वन रहेगा आई आई रहता है मुझे आई के आगे कुछ नहीं पता आई की वैल्यू पता ही नहीं बस आई ही कहते हैं रूट माइनस वन को आई कहते हैं आई कैसा दिखता है मुझे नहीं पता बट आई स्क्वेयर मुझे पता है कि माइनस वन होता है और आई क्यूब मुझे पता है कि माइनस आई होता है तो मैंने देखा ये वैल्यू तो जीरो ही आ गई तो आंसर इज जीरो एक चीज ऑब्जर्व करो एक चीज ऑब्जर्व करो मानते हो जब भी चार कंजेकेटिव पावर्स होंगी चार कंजेक्टिव पावर जब भी होंगी सबसे छोटे वाले को कॉमन निकालो अंदर यही बचेगा सर बात तो सही है जब भी चार कंजेकेटिव पावर होंगी तो सबसे छोटे वाले को कॉमन निकालो अंदर यही बचेगा और ये हमेशा जीरो होगा इस चीज को आपने एज अ रिजल्ट याद रखना है सम ऑफ एनी फोर कंजेकेटिव इंटीजर पावर्स ऑफ आयोटा इज जीरो ये आपने हमेशा याद रखना है ठीक है ये मुझे कैलकुलेशन में काम करने वाला है इसको अगर प्रूफ करने की बात करें देखने में जीव लग रहा है बेटा प्रूफ बहुत बेकार है चार कंजेक्टिव पावर की बात चल रही है ना लिख दो तो चार कंजेक्टिव पावर ऐसी ना। ये रही चार पावर। क्या कहते हो ऐसे ही लिखेंगे तो डरना नहीं कि प्रूफ कैसे करेंगे कुछ नहीं है बस चार कंजेक्टिव पावर लिख दी वेयर एन इज एनी इंटीजर आउटा पार एन कॉमन निकाल दो अंदर वही बच गया जो पीछे आया था और ये सारे मुझे पता है कट के जीरो हो बिंदी चमके है पसीने ना न कुंडला वाले वा। तो आज ये लाइन मेरे मुंह से निकलती रहेगी क्योंकि मैंने आज ही सुनी है और मेरे मुंह पे चढ़ गई है <laughs> अब ऐसा सवाल आ गया अब ऐसे सवाल में अक्सर ये जो सम ऑफ फोर समक्टिव पावर जीरो होता है ना ये काम आ जाता है मतलब टाइम बचा देता है जैसे कि अब इसको निकालना था मैंने सिग्मा को ओपन किया के को वन पुट कर दिया लो भैया कर दिया फिर के को टू पुट कर दिया लो भैया कर दिया कहां तक पुट करना है सर जी ट्वेल्व तक लो जी ट्वेल्व तक कर दिया ऐसे लिख दिया अब या तो मैं एक एक पावर कैलकुलेट करू देखू क्या करना है या फिर अकल लगा लू एक अकल क्या लगाऊ अगर मैं पहली पहली टर्म्स को उठा लू पहली पहली टर्म तो देख पा रहे हो ये कुछ ऐसा बनेगा और अगर मैं दूसरी दूसरी टर्म्स को उठा लूं तो ऐसा बनेगा कितनों को दिख रहा है कि ऐसा अगर मैं लिख लूं तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है मुझे बहुत फायदा हो रहा है शाबाश शुभम हर्ष एवरीबॉडी ज्योति शाबाश ये चार चार के तीन पेयर बन जाएंगे वन से लेके फोर फिर फाइव से एट फिर नाइन से ट्वेल्व चार चार के पेयर और मुझे पता जब भी चार कंसक्टिव पावर आएंगी वैल्यू जीरो बनने वाली है तो ये वैल्यू जीरो अगेन ये भी देखो चार चार के पेयर बन रहे हैं टू से लेके तक जा रहे हैं लेकर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो ये भी जीरो बन जाएंगे तो ऐसा करके मेरा समय बच जाता है तो जब भी आपको बहुत सारी पावर्स को ऐड करना हो तो नॉर्मली ये चीज काफी काम आती है समय बचाने में बहुत बढ़िया ये चीज देखो यार ये इनमें से कौन सा सही होगा देखो जरा अगर मैं पुराने हिसाब से चलूं जो मैं आज तक पढ़ता आ रहा हूं रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए भी कह सकते हैं बात तो सही है माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव फिफ्टीन होता है तो वैल्यू बनी रूट फिफ्टीन पर अगर मैं आई के साथ चलूं रूट ऑफ माइनस थ्री को रूट थ्री आई लिख सकता हूं रूट ऑफ माइनस वन आयोटा होता है और रूट ऑफ माइनस फाइव को रूट फाइव आयोटा लिख सकता हूं अगर ऐसे चलूं तो रूट थ्री रूट फाइव तो रूट फिफ्टीन बना बट आई इंटू आई माइनस वन बन गया पहले तो डिफरेंस समझ आ गया कि अब चीज तो एक ही है ऐसे चल रहे हैं तो रूट फिफ्टीन आ रहा है ऐसे चल रहे हैं तो रूट माइनस फिफ्टीन आ रहा है माइनस रूट फिफ्टीन आ रहा है तो इसमें कौन सा सही कौन सा गलत होगा तो आओ इसमें देखें कि क्या सिस्टम है इसमें बेटा देखना कुछ नहीं है इसमें आपको एक चीज को दिमाग में रखना है कि आप जो रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए भी पढ़ते हो यह हमेशा काम नहीं करता रियल नंबर में हमेशा काम करता था इसलिए आपको आता भी आपने याद भी किया सर तो कंप्लेक्स नंबर में नहीं करेगा क्या काम अगर नेगेटिव नुगेटिव आगे रूट के अंदर तो क्या ही काम नहीं करेगा एक सिचुएशन में काम नहीं करेगा यानी कि उस सिचुएशन में आप इसे नहीं लगाएंगे व्हेन बोथ ए बी आर नेगेटिव यह चीज इसके बराबर नहीं आती अगर ए और बी दोनों ही नेगेटिव हो तो यह करेक्ट है और यह रॉन्ग है आप यह नहीं पूछेंगे कि क्यों नहीं आती या ऐसा क्यों भैया आपने जो रूल पढ़ा था रियल नंबर के लिए पढ़ा था वहां पे हमेशा ट्रू है अब वही चीज जो रियल नंबर के लिए ट्रू है कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू हो जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ट्रू होता है वह हम पढ़ेंगे जब हम अल्ज्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे पर एक चीज आपने याद कर लेनी कि इस केस में ये होल्ड नहीं करता सर अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता तो होल्ड करता है हां जी बेटा तो वैल्यू बराबर आती है इसकी वैल्यू आप चाहे आयोटा से निकाल लीजिए या सीधे निकाल लीजिए रूट ए बी करके दोनों से बराबर आती है तो मैं वही कह रहा हूं सिर्फ एक सिचुएशन में रूट ए बी को रूट ए रूट बी नहीं बोलेंगे जब ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे वहां पे नहीं लगाना वहां पे नहीं लगाना शाबाश बेटा जी अब ये जो है ना ये आप कह सकते हैं कि ये इस चैप्टर का बेस है अलोटा समझना जरूरी क्योंकि इस चैप्टर में जो नंबर आने वाले हैं वो आई के टर्म्स में आते हैं एक्चुअली ओके okay? और धीरे धीरे हम आई को देखना सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकली कैसा दिखता है बट uh, कोई भी नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज उसकी अल्जैबरा सीखते हो भैया ऐसे दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डिवाइड कैसे करते हैं पावर कैसे देखते हैं

एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर सिंपल रियल नंबर सिंपल रियल नंबर जैसे कि टू प्लस थ्री आयोटा वन माइनस टू आयोटा जीरो प्लस फोर आयोटा फाइव प्लस दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अगर मैं आपसे पूछू मुझे जवाब देना अगर मैं आपसे पूछू नेचुरल नंबर कैसे दिखते हैं तो कैसे बताओगे सर वन टू थ्री फोर फाइव जैसे नंबर मैं तुमसे पूछूं रैशनल नंबर कैसे दिखते हैं कैसे बताओगे सर पी बाय क्यू टाइप के वन बाय टू थ्री बाय फोर फाइव बाई सैशनल नंबर कैसे दिखते हैं सर रूट सिक्स रूट टू रूट थ्री बताए ना कैसे दिखते हैं इसीलिए तुम उनको विजुलाइज कर पाते हो देख पाते हो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम विजुलाइज तो नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट सेशन में कर पाएंगे नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा इसको विजुलाइज कैसे करते हैं बट अभी के लिए दिखते कैसे ये तो याद करें तो कंप्लेक्स नंबर कैसा दिखता है रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम एनदर रियल नंबर ये दोनों सिंपल रियल नंबर्स हैं सिंपल रियल नंबर्स टू प्लस थ्री आई एग्जाम्पल रूट टू माइनस आई जो मर्जी लिखते रहो एक्स वाई को कुछ भी रियल नंबर वैल्यू देते रहो जैसे भी नंबर बनते जाएंगे वो सारे कंप्लेक्स नंबर होंगे ठीक है सर यह पॉइंट तो हो गया क्लियर अब सुनो मेरी बात यह अब एक डेफिनेशन आने लगी जो नंबर आई के साथ लिखा जाएगा सिंपल रियल नंबर जो आई के साथ लिखा जाएगा उसको बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है वाई सिंपल रियल नंबर है पर क्योंकि उसको आई के साथ लिखा गया है इसलिए उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और जो नंबर आई के बिना लिखा जाएगा उसको बोला जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं, नॉर्मली कंपल्शन नहीं है नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं शाबाश अब देखो जरा तो अगर मैं यहां पे आ जाऊं क्या तुम मुझे इस नंबर का रियल पार्ट बता सकते हो हां सर जो नंबर ना आई के साथ नहीं लिखा हुआ वो रियल पार्ट है ओके okay. क्या तुम तो मुझे इमेजिनरी पार्ट बता सकते हो हाँ सर जो नंबर आई के साथ लिखा हुआ है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है लेट मी मेंशन आई के साथ जो लिखा गया है वो एक सिंपल रियल नंबर है उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है क्योंकि वो आई के साथ लिखा गया है अब यहां पे आ जाओ रियल पार्ट वन इमेजिनरी पार्ट माइनस टू अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया रियल पार्ट जीरो और इमेजिनरी पार्ट फोर डू यू एग्री इस नंबर को थोड़ी इज्जत देना बनता है मतलब पूरा इमेजिनरी टाइप्स का ही है रियल पार्ट है ही नहीं इसमें डू यू ऑल एग्री पूरा इमेजिनरी टाइप्स का ही है रियल नंबर है ही नहीं रियल मतलब रियल पार्ट है ही नहीं इसमें ऐसे नंबर को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी तो प्योरली इमेजिनरी किसको बोलेंगे जिसमें रियल पार्ट जीरो होगा अब नीड नॉट टेल यू इसको मैं बोलने वाला हूं जस्ट रियल प्योरली रियल बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि रियल तो रियल ही होता है रियल को प्योरली रियल बोलने की जरूरत नहीं बेटा क्योंकि रियल नंबर तो रियल नंबर ही होता है राइट फाइव अ रियल नंबर ओके हर्ष यस बेटा सब बाद में आएगा अभी यहां देखो ओके okay. तो ये तो समझ आ गया तो यहां मैं लिख भी दिया रियल पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी बोल देंगे ठीक है देखो इन्होंने वैसे लिखा है इफ इमेजिनरी पार्ट इज जीरो इट इज कॉल्ड प्योरली रियल दिस वर्ड इज रिडंडेंट रिडन इसकी कोई जरूरत नहीं थी इसको रियल भी बोल देते तो भी सेम ही रहता ओके okay. अब आओ इस सवाल पे थोड़ा सा एक्सपोजर लेते हैं चीजें कैसी दिखने वाली हैं कहते इसके रूट पे कमेंट करो कैसे हैं कि इसके रूट में रियल पार्ट पॉजिटिव आ रहा है इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आ रहा है नॉन-जीरो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है जीरो रियल पार्ट आ रहा है मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पे कमेंट करने को बोला गया है तो रूट निकालते हैं क्या रहा है? रूट आ रहा है जी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी बाय टू ए राइट तो इसके रूट आ रहे हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू और माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू तो जरा बताओ मेरे रूट ये आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से कौन सा ऑप्शन सी 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 हाँ बिल्कुल नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट क्या पॉजिटिव रियल पार्ट आ रहा है नो सर मेरा रियल पार्ट तो नेगेटिव है दोनों में नेगेटिव क्या नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट आ रहा है नो सर इसमें मेरा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है इसमें मेरा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है गॉड बैसी बेटा सो so, इतना पक्का कह सकता हूं कि मेरा इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं। शाबाश। ओके okay, आगे चलते हैं। अब आती है कि हम दो कंप्लेक्स नंबर को बराबर कब कहेंगे सॉरी ये क्या बात बनी मतलब बराबर कब कहेंगे हाँ बराबर कब कहेंगे अलजेब्रा शुरू कहां से होता है इक्वालिटी इनइक्वालिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन डू यू ऑल एग्री जब भी आप अल्जाबराज सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इक्वालिटी पढ़ते हैं फिर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं फिर एडिशन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन एंड देन पावर्स पावर्स पढ़ते हो ओके okay. जैसे कि थ्री और फाइव बराबर है क्या नहीं सर बराबर नहीं है फाइव uh, थ्री से बड़ा है क्या हाँ सर फाइव थ्री से बड़ा होता है क्या तुम थ्री और फाइव को ऐड कर सकते हो हाँ सर कर सकता हूं सब ट्राइप करते हो हाँ सर कर सकता हूं तो रियल नंबर के लिए ये चीजें कितनी ऑब्वियस है तो सेम हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इन चीजों को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा अपने लिए तो आओ अब ऑब्वियस बनाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजें कैसे देखी जाती हैं इक्वालिटी बहुत सिंपल है हु बहु सेम दिखने चाहिए हु बहु सेम दिखने चाहिए एक नंबर है x1 वन प्लस आयोटा बाई वन दूसरा है x2 टू प्लस आयोटा बाई टू इनको बराबर तब कहा जाएगा जब ये हु सेम होंगे हु सेम का मतलब जो इसका रियल पार्ट वो इसका रियल पार्ट दोनों सेम और जो इसका इमेजिनरी पार्ट वो इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम तो हम कहेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी तो एज एक्सपेक्टेड ही है एग्जैक्टली मतलब ऐसा ही कहते हैं इक्वल दोनों सेम दिख रहे हैं भैया डिटो सेम दिख रहे हैं ठीक है इन इज नॉट एज एक्सपेक्टेड इन इज नॉट एज एक्सपेक्टेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हम नहीं कह सकते कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर उससे बड़ा है या यह कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है सर क्यों नहीं कह सकते इसमें तो क्लियर कट कह सकते हैं सर वन फाइव से छोटा है टू टेन से छोटा है मैंने कुछ ऐसा डिफाइन किया क्या कॉम्प्लेक्स कि नंबर में कि अगर रियल पार्ट छोटा हो तो नंबर को छोटा कह देंगे इमेजिनरी पार्ट छोटा हो तो छोटा कह देंगे नहीं तुमको पता है आई कैसा दिखता है नहीं सर तो फिर कैसे पता क्या छोटा क्या बड़ा राइट right? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा या बड़ा नहीं कह सकते दे आर नॉट कंपेरेबल नॉट कंपेयरेबल यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो कंप्लेक्स नंबर को कंपेयर करने का सिस्टम बनाया ही नहीं गया है ही नहीं कंपेयर कर ही नहीं सकते बेटा तो इक्वालिटी पता लग गई एंड इन पता लग गई कि होती ही नहीं है तो इक्वालिटी पे पहले एक दो बेसिक से सवाल कर लेते जहां पे कैलकुलेशन uh, का हल्का सा हम एडिशन addition... अच्छा, सॉरी ओ सॉरी पहले एडिशन तो बता दूं एंड में आएगी कैलकुलेशन बाद में आएगी भैया कैलकुलेशन बाद में आएगी आ जाओ कंप्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वन प्लस वाई वन ठीक है जी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू और आप इनको ऐड करना चाहते हैं इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना जो मैं कहने लगा क्योंकि दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड अल्जेब्रा डिफाइन किया जाता है उस अल्जेबरा को यूज करके आप अगले सवाल बनाते हो ठीक है तो इसका अलजरा ऐसे डिफाइन किया गया कि हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे यस लकीली इट इज वेरी इंटुएटिव इट इज वेरी इंटुएटिव मतलब अगर मुझे कोई ना भी बताता तो भी मैं ऐसे ही ऐड करता सिंपल ब्रैकेट्स को हटाता x1 x2 एक्स हो जाते और इनमें से i कॉमन आ जाता y1 वन प्लस वाई आ जाता हाँ कह सकते हैं बट ऐसे बना सकते हैं बट आपने इसका रीजन नहीं ढूंढना रीजन नहीं ढूंढना ऐसे इसका ठीक है ओके अपने एक बा बताओ को फिर मतलब चलो पहले चलो पहले हाँ, पहले बा बताओ क्या तुम इनको ऐड कर सकते हो आराम से और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है रियल में से रियल से हट जाएगा जैसे आपको लगेगा ना वैसा ही है लकीली वैसा ही है कर सकते हो हाँ सर टू प्लस फाइव सेवन थ्री आई प्लस सेवन आई टेन आई लकी हो तुम लोग देखो कितने अच्छे हो मतलब आराम से जैसे चाह वैसा हो गया टू माइनस वन वन थ्री आई प्लस टू आई फाइव आई ये हो गया अब ना मैं तुम्हें बताता हूं कि कई बार बुक्स वाले ना कैसे खेलेंगे तुम्हारे साथ तुम्हें तंग करने के लिए देखो अब डराने के लिए एक चीज लिख रहा हूं लेटर सी कौन डरता है कौन नहीं डरता जेड वन है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन Z2 है X2 टू प्लस आयोटा वाई टू ओके मैंने तुम्हें सिखाया एडिशन कैसे करते, है? तुमने करते हैं तुमने कहा तो बहुत ही ऑब्वियस है बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है बिल्कुल तो मैंने लिख भी दिया चलो Z1 वन प्लस जेड टू इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा वाई वन प्लस वाई टू पर अब देखो अगर मुझे तुम्हें डराना है तो मैं बोलूंगा ऐसे और मैं बोलूंगा Z1 वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 वन प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड टू प्लस आयोटा टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 वन प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू जरा मुझे बताओ तुम डर रहे हो क्या डर लग रहा है क्या डरे या नहीं डरे नहीं डरोगे तो आई बी वेरी हैप्पी डर गए तो फिर पांच सेकंड और ले लेंगे इस पे ऑर्डर से हां नहीं डरे वेरी गुड सिर्फ लिखने के लिए से लिख दिया गया कि हां यार ये एक्स वन कुछ और नहीं इसका रियल पार्ट है ये एक्स टू कुछ और नहीं इसका रियल पार्ट है तो कई बारी आपको ऐसी चीजें दिखेंगी इनको देख के डरना नहीं है सेम ही चीज को थोड़ा डरावने तरीके से लिख दिया डराने के लिए ठीक है सर क्या मुझे इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है जेट डोटेट दिस और नहीं याद करना पुत्र सिंपल ऐड हो जाते हैं याद थोड़ी करेंगे फॉर्मुला फॉर्मुला थोड़ी कोई राइट right? तो इसको देख के डरना बिल्कुल नहीं सेम मल्टीप्लीकेशन माता रानी की कृपा पूरी है बेटा तुम पे लकीली मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंटुएटिव सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दो दैट इज मल्टीप्लीकेशन बल्ले बल्ले तो एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन इंटू आई टू प्लस आई वाई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आयोटा स्क्वायर वाई वन बाई टू डू यू एग्री अगेन इंट्यूटिव. सो बी हैप्पी कि यहां पे अलजैबरा काफी इंट्यूटिव है आपको दिक्कत नहीं आने वाली थोड़ा सा मतलब ये ना शगुन मान लो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब मस्ट है शगुन मान लो कि जब भी हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो रियल पार्ट को अलग रखेंगे आई वाले पार्ट को अलग रखेंगे तो इसमें रियल पार्ट फाइनली क्या बन गया? बाकी अलग ऐसे मिक्स करके नहीं लिख देंगे थोड़ा रियल फिर इमेजिनरी फिर रियल ऐसे नहीं लिखेंगे बस ठीक है तो क्या तुम मेरे लिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो सर जी मजे से कर देंगे मतलब एक्सट्रीम मजे से कर देंगे सर गॉड सो टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स फोर आयोटा माइनस फिफ्टीन आयोटा माइनस इलेवन आयोटा टेन आयोटा स्क्वायर टेन आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस टेन तो ये बन गया माइनस सिक्सटीन माइनस इलेवन आयोटा एक बार ना बी पार्ट का आंसर बताओ बहुत बच्चे बिगनिंग में गलत करते हैं बहुत बच्चे बिगनिंग में गलत करते हैं बी पार्ट का आंसर बताओ बिंदी शाबाश हो बिंदी पिज गई पसीने ना कुंडला वाले और दिल खुश कर दिया सिर्फ दो तीन बच्चों ने गलती की यार दिल खुश कर दिया वेरी गुड सर जी ये एक्स प्लस वाई, वाई टाइप का है तो x का माइनस वाई का स्कोयर बिल्कुल सर p प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्तर अब यहां पे बहुत अच्छा किया आपने आयोटा b का जब स्क्वा करोगे तो वो बनेगा माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्यर माइनस वन बी का स्क्वेयर बी स्क्वायर बिल्कुल बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चों शाबाश तो इट इज ए स्केयर प्लस बी ये यह रियल नंबर की बदौलत ना कई बार हम इसमें गलती कर देते हैं फ्लो में हमें वो माइनस लिखने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हम आयोटा की इज्जत ही नहीं करते दिस इस, इस प्लस बी स्क्र ए स्केर माइनस बी स्क्वेयर नहीं क्योंकि ये ए स्केयर माइनस आयोटा बी का स्क्यर बना था फर्दर वो बना ए स्क्र प्लस बी स्क्र शाबाश रुद्राक्ष अब सीख लिया तो दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद मल्टीप्लीकेशन अगेन मल्टीप्लीकेशन भी आसान है अगर मैं ऐसे लिख दूं हमने अभी भी, भी किया था मल्टीप्लाई ये बना था राइट right? इसको मैं मुड़के यहां पे लिख रहा हूं और इसको ना इस ड्रावनी शक्ल में लिख रहा हूं कितनों को डर लग रहा है कितनों को डर लग रहा है डरोगे कैसे लिख दूंगा तुम तो? नहीं सर बिल्कुल नहीं डरेंगे सर इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है नहीं याद है अबे इसको क्यों याद करेंगे क्यों याद करेंगे क्या तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे सिंपल ब्रैकेट ओपन करके हां सर सिंपल ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है याद नहीं करना है पर अभी दिख जाए तो डरना नहीं है बस इतना है डरना नहीं है आ जाओ एक सवाल भी देख लेते हैं कहता z एक एक्सप्रेस आयोटा वाई टाइप का नंबर है तो z के स्क्वायर का रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ तो अगर z मेरा x प्लस आयोटा वाई है तो जरा z का स्क्वायर करो फटाफट फिर मैं लिखूंगा अभी तुम लिखो मत सिर्फ कर लो कॉपी पे ताकि जब मैं लिखूं तो मैच कर पाओ शबाश लक्ष्य गॉड प्लस यू शबाश शबाश मेहनत करो बहुत बढ़िया जा रहे हो स्क्वायर कर लो इसको लिखने की जरूरत नहीं है टाइम मत वेस्ट करना लिखने में चैटिंग में से बस फिर मैं लिखूंगा मैच करना आप डन तो सर जी ए स्क्वा प्लस बी स्क्र का स्क्वायर बनेगा माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है प्लस टू ए बी तो देखो जेड का रियल पार्ट क्या आ रहा है सर जी ये जो चीज़ लिखी ना जेड स्क्वायर में ये आयोटा के बिना लिखी गई है तो ये रियल पार्ट होना चाहिए जेड स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर ये जो चीज लिखी ना आयोटा के साथ लिखी है ये इमेजिनरी पार्ट है तो आंसर शुड बी और डी नहीं मैं एक बच्चे ने डी बोला मैंने पिटाई कर देनी है आई के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है आई को क्यों घुसा रहे हो भैया ये बच्चा पक्का लेट आया इसने बिगनिंग का पार्ट मिस किया है तभी ये गलती करा बाकी सबने सी लिखा था एक डी बोल रहा पक्का लेट आया है और टाइम पे क्या करो लेट ना किया करो एग्जैक्टली exactly. सोइ एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र रियल पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट टू एक्स वाई पर अब आप कंफर्टेबल हो जाओ आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्र होगा ओके स्टॉप राइटिंग इट वाई स्क्वायर इट इज आयोटा वाई का स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर नेवर माइंड भवनीश शाबाशा आगे देखो जरा आप डिवीजन कैसे करते हैं अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिवीजन कैसे करते हैं एक बार बताओ बिगिनिंग में मैंने बताया था कि आ, कभी भी ना अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो रखते नहीं है याद है जो बिगनिंग से बैठे आयोटा को ना नीचे नहीं रखते बस बताया था कि बस पी जाओ इसको तो मैंने कहा था कि आयोटा को नीचे से हटाओ कभी आयोटा नीचे मत रखो तो हटाने के लिए क्या बताया था मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऐसा करने से ऊपर आयोटा आता है और नीचे ये बन जाता है माइनस वन तो माइनस आयोटा आ जाता है डिवीजन भी कुछ कुछ सिमिलर है आओ अगर मेरे को x1 वन प्लस आयोटा वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू डिवाइड करना है प्राइमरी फंडा क्या है सुनो मेरी बात जब मैं तुमसे पूछता हूं मुझे एट बाय टू बताओ तो तुम बोलते हो फोर राइट एट बाय टू को एट बाय टू क्यों नहीं कह देते 4 क्यों बोलते हैं क्योंकि हमें कट करना आता है तो तुम उसको कट करके एक अच्छी फॉर्म में लेके आते हो उसको फोर बोल देते हो तो सेम जब मैं तुमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं तो मैं क्या जानना चाह रहा हूं कि मैं इस नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा यही मेरा सवाल है ना ध्यान से सुनो यही मेरा सवाल हुआ इसको काट के इस फॉर्म में कैसे लेके आऊंगा जैसे एट बाय टू को कट करके आप फोर में ले आते हो ऐसे ही ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है एट बाय टू फोर के बराबर है तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो मेरा मेन पर्पज है नीचे से आयोटा को खत्म करना अगर नीचे आयोटा खत्म हो गया तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो याद रखो डिवीजन को कैसे डिफाइन किया जाता है नीचे वाला जो है ना उसमें आयोटा वाली टर्म जो है आयोटा वाली उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड x2 टू माइनस आयोटा वाई टू एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू नीचे इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड बस उसके बाद और कुछ नहीं उसके बाद तुमको सब आता है डू यू एग्री क्या तुम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो हाँ सर ब्रैकेट ही तो ओपन करनी होती है कर देंगे एक्स वन एक्स टू मैं सीधे लिख रहा हूं तुम्हें आता है ठीक है सीधे लिख रहा हूं यह आ जाएगा आयोटा स्कोर प्लस प्लस हो जाएगा प्लस वाई वन वाई टू और आयोटा के साथ आ जाएगा सिंपल ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं डरना मत एक्स टू वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू ब्रैकेट ओपन करके ये बन जाएगा और नीचे देखो एक्स टू का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई टू का स्क्वायर और वो क्या होता है एक्स टू प्लस वाई टू स्क्वेर डू यू एग्री अब ये जो पूरी वैल्यू है वो देखने में उस फॉर्म में आ चुकी है जो तुमको चाहिए इस पूरे में आयोटा नहीं है और इस पूरे में आयोटा है पसी, ना, ना, ना। सर क्या मुझे ये याद करने की जरूरत है नहीं बेटा सवाल में तो सिंपल करना है। वो तो याद कर लेते हैं याद जो है। अब मुझे पूछे, टू प्लस आयोटा पॉन वन आयोटा बताओ मैं क्या करूंगा मैं टू प्लस आयोटा पॉन वन माइनस टू आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा किसके साथ नीचे वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके वन प्लस टू आयोटा वन प्लस टू आयोटा मूवमेंट में ये करूंगा मेरा काम खत्म है ऊपर क्या बना टू इंटू वन फोर आयोटा प्लस आयोटा फाइव आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर टू आयोटा स्क्वायर इज माइनस टू अपॉन नीचे क्या बना वन स्क्वायर माइनस टू आयोटा का स्क्वायर तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर जीरो प्लस फाइव आयोटा बाय फाइव सर यहां पे जीरो लिखना जरूरी है कतई जरूरी नहीं बेटा अकेला फाइव आयोटा लिख दो गुड इनफ फाइव आयोटा बाय फाइव आंसर इज आयोटा कुछ प्लस माइनस गलत किया बच्चा थ्री थ्रू लिख रहा है कुछ मैंने टू नहीं ठीक लिखा है कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक है ना हाँ तो ये आ गया आंसर आयोटा अगर मुझसे वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी पूछा जाए बेटा जी बात तो वही है ना मुद्दा है कि आयोटा को नीचे नहीं रखना नीचे से आयोटा कैसे हटेगा इस बी का ना साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे लिख दो गुड है बट इट विल बी बेटर अगर तुम पूरा जो रियल पार्ट है उसको अलग लिखो और पूरा इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दो बहुत बढ़िया आपने ये जो निकाला एक ध्यान दीजिए ये जो निकाला इसको रेसिप्रोकल ऑफ ए प्लस आयोटा भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए प्लस आयोटा भी हां सर बोल सकते हैं वही तो है एग्जैक्टली exactly. और इसी को इसी को जो रेसिप्रोकल ऑफ ए प्लस आयोटा बी है बुक्स में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोला जाता है डरना डरना नहीं नहीं तो कभी तुम्हें बुक में दिख जाए कि बोला जा रहा है, find multiplicative inverse, नहीं बेटा, simple reciprocal पूछ रहा है reciprocal, है बेटा पूछ सिर्फ रेसिप्रोकल उसी कोई वो बता दो किसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यार अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा किसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बोल दो फटाफट शाबाश थ्री माइनस फोर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही काम हो जाएगा खत्म अब आओ थोड़ा सा सवालों में चले जहां पे चीजें देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं बट वो होती बहुत घटिया है एक सवाल देख लिया इस तरह के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे आओ कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच ये दोनों बराबर आ जाए ध्यान से सुनना? कहता ये बराबर आने चाहिए स्मॉलेस्ट एन बताओ पॉजिटिव वाला एन को जीरो नहीं ले सकते जीरो लेके भी बराबर आ रहे हैं वन वन बन जाएगा पर नहीं पॉजिटिव बोला गया है, तो सुनो मेरी बात अब इसकी पावर टू एन तो मेरे को करनी आती नहीं एक काम करो इसको इसके नीचे ले आओ ऐसे कर सकते हो हां सर ऐसे कर सकते हैं अब होता पता क्या है वन प्लस आयोटा का स्क्वायर बहुत ही खूबसूरत होता है देखो वन स्क्तर आयोटा कट कट आयोटा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करके पता लग चुका है कि one plus Iota का अच्छा होता है, और तुमने अब देख लिया कि वन प्लस आयोटा का होल के अच्छा होता है तो तुम अब क्या करना चाहोगे सर जी हम टू को अंदर लेके जाना चाहेंगे तो टू को अंदर ले जाओ वन प्लस आईटर का होल स्केयर बन गया टू आई ओटा वन माइनस टू आरटा का होल स्केयर बन गया वन माइनस टू आई कट 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 माइनस वन पार एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू वन नहीं टू 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 इक्वल टू वन चाहिए ना हाँ? तो एन आ गया टू स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई सो so, ये छोटी कैलकुलेशन है जो आपने एक बार देख ली हैं तो आपको कभी नहीं डराएंगी

कहता तो है एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर वन बाई थ्री जो है अगर वो ए प्लस आयोटा बी के बराबर है जैसे एट की पावर वन बाई थ्री क्या होती है टू होती है ना ऐसे ही ये एक नंबर है जिसकी वन बाय थ्री पावर इसके बराबर है ओके तो ये कुछ प्रूव करना है ये प्रूव करना है क्या करेंगे मैं ना दोनों साइड पे क्यूब मारूंगा उसका फायदा क्या होगा बेटा तो मुझे वन बाय थ्री करना नहीं आता पर क्यूब करना तो आता है ना बोलो क्यूब करना तो आता है सर क्या हम पूरे चैप्टर में वन बाय थ्री करना नहीं सीखेंगे 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 नंबर्स के लिए सीखेंगे अभी क्यूब से काम चलाते हैं क्यूब आता है ना क्यूब आसान है तो क्यूब करो तो बेटा जी एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या आ गई ए क्यूब प्लस आयोटा बी क्यूब अब आपको याद कर लेना देखो आयोटा पार वन आयोटा आयोटा स्क्वेयर माइनस वन आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आयोटा पार फोर वन यस yes, एग्जैक्टली exactly, देते हैं तो आयोटा क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है मैंने या क्यूब था माइनस आयोटा लिख दिया मैंने एक स्टेप में प्लस थ्री ए स्क्वेयर इन दिस एंड प्लस थ्री ए आयोटा बी का स्क्वेयर आयोटा बी का स्क्वेयर क्या बनेगा माइनस बी स्क्वायर टेन सेकेंड्स एंड गिव मी कंफर्मेशन कि क्या तुम आयोटा की पावर्स को इतना जल्दी देखना अब कंफर्टेबल हो चुके हो कंफर्ट बैठ चुका है आयोटा बी आयोटा बी का क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब आयोटा बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ कुछ हो चुके हैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ थोड़ा तो ये काम करते हैं जो भी थोड़ा थोड़ थोड़ा सीख रहे हैं या अभी नहीं हुआ है इसको यहां पर पूरा भी लिख देते हैं फिर दो स्टेप में करो आओ p प्लस क्यू होल क्यूब p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री क्यू स्क्वायर अब देखो अब देखो सारे के सारे अब मैच करो सिंपल ओपन कर दिया ने, 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 ने। अब सारे बताओ आयोटा बी का होल क्यूब इज माइनस अयोटा बी क्यूब एवरीबडी कंफर्टेबल गौर बेटा आयोटा क्यूब इज माइनस अयोटा राइट देखो फटाफट आपको इनके साथ कंफर्ट बैठाना पड़ेगा और उस वो तभी बैठेगा जब आप बार बार इन कैल्कुलेशन को करते जाएंगे इनको करते जाएंगे यहां मैंने माइनस लिख दिया बेटा ही देखो ना वो यहां से कैलकुलेट होके आया है क्या करते हो आयोटा बी का स्क्वायर आयोटा बी का स्क्वायर क्या बना माइनस बी स्क्वायर अल्ट्रा प्रो मैक्स ये तो तुम नाम हटाओ मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स तुम्हारी मतलब डाउट प्रो मैक्स वाले नहीं है डाउट तुम्हारे सिर्फ अल्ट्रा पे रुक गए प्रो मैक्स हो गया प्लस का माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है ना तो आयोटा बी का स्क्वायर क्या हुआ माइनस बी शाबाश। और अब मैं क्या करूंगा सर आप ही ने सिखाया था कि जब भी ऐसा हो ना, तो सारे जो बिना आयोटा के होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं और सारे आयोटा वालों को एक साथ लिख देते हैं थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब अब बोलो इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस याद आ रहा है इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस अगर मुझे पता है अब ध्यान से सुनना स्टेप ध्यान सुना ठीक है अगर मुझे पता है कि ये इसके बराबर है और मुझे एक्स वाई ए बी में रिलेशन डिवेलप करना है तो मैं कैसे करूंगा सर रियल रियल को कंपेयर कर देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे ऐसा करने से मेरे पास ए और बी में रिलेशन आ जाएगा आइडिया समझो कि मैंने क्वालिटी का कंसेप्ट यहां पे यूज क्यों किया मुझे इस जगह से एक्स वाई ए बी में रिलेशन डेवलप करना था रिलेशन डेवलप करना था तो इसलिए मैंने कंपेयर किया ताकि मेरे पास एक रिलेशन आ जाए अब कुछ नहीं बेटा अब तो ये बनाना बहुत आसान है यहां से ए को इधर ले जाओ क्योंकि मुझे एक्स बाय ए चाहिए यहां से बी कॉमन निकाल के इधर ले जाओ क्योंकि मुझे वाई बाय बी चाहिए फिर दोनों को ऐड कर दो अपने आप ही ये बन जाएगा समझ गए तो पहले एक्स बाय ए निकाल लिया पहली इक्वेशन से वाई बाय बी निकाल दिया दूसरी इक्वेशन से फिर दोनों को ऐड किया क्योंकि वो मुझे पूछा गया है और वो वैल्यू जो आती है वही आ रही है जो मुझे चाहिए नजारे आगे सो यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद कैलकुलेशन एज फार एज पावर्स आर कंसर्न मल्टीप्लीकेशन डिविजन इज कंसर्ड ये सवाल पढ़ो मजा आने वाला है बहुत ही प्यारा सवाल है कई बार मैं क्लास इस सवाल को बहुत लेट करवाता हूं कई बार बिगनिंग में करवाता हूं तुम्हारी क्लास में बिगनिंग में करा रहा हूं क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम थोड़ा मेहनत करने वाले बच्चे हो जोर लगाने वाले बच्चे हो शिखर शाबाश सो आओ कहता दिस हैज रियल रूट फाइंड ए अब रियल रूट को लेके वो भी क्वेड्रैटिक में इट्स अ सिंपल क्वेड्रैटिक इन जेड कैन यू सी दैट जेड में क्वेड्रैटिक है तो मेरे दिमाग में रियल रूट को लेके एक ही कंसेप्ट है डी ग्रेटर टू जीरो आज ये आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन हो गई कि भैया ये तभी लगा सकते हैं जब कॉफिशेंट जो है वो रियल हो सर ऐसा क्यों बेटा जी जरा याद करिए इसके रूट्स क्या होते थे सर इसके रूट होते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए आपने कहा था कि रूट रियल आएगा अगर ये जो डी है ये गेट दे टू जीरो है परफेक्ट ताकि वो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ जाए बट अगर तुम्हारा बी इट सेल्फ देखने में ऐसा है टू आयोटा फिर क्या करोगे अब d को पॉजिटिव कर लो तो भी इमेजिनरी रूट ही आ रही नॉन रियल रूट ही आ रहे हैं डू यू एग्री तुम्हारा a मान लो वन प्लस थ्री है लो d को कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रूट तो नॉन रियल तो आ गए रूट तो नॉन रियल आ गए डू यू ऑल एग्री यस तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो गिव्स यू रियल रूट प्रोवाइडेड ये मेरे जो कॉफी है ना ये रियल हो अगर ये खुद ही नॉन रियल है फिर तो डी क्या कर लेगा लफड़ा हो जाएगा बिल्कुल सही बोला तो आओ बताओ इसमें क्या करते हैं इक्वालिटी जो है ना बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के 70 टू एसेंट क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने वाली है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अब आओ। अगर इसका रूट रियल है यानी कि z जो है वो देखने में कैसा होगा अल्फा अल्फा नहीं बोलते अल्फा से कंफ्यूजन होता अच्छा नहीं लगता देखने में ए बोलते थे ए ए बैठा हुआ ए नहीं बोलते अच्छा नहीं लगता क्या बोल दू चलो एक्स बोल देते हैं एक्स प्लस जीरो आयोटा। ऐसा होगा यही मतलब हो ना, रियल रूट का देखने में ऐसा है तो अगर रूट मेरा ऐसा है तो भैया सेटिस्फाई तो करेगा रूट है सेटिस्फाई करा दो सेटिस्फाई करा दो मतलब क्या हुआ मतलब ये तो वेरिएबल ही है सेटिस्फाई करा के क्या मिलेगा बेटा सेटिस्फाई करवा के तुमको दो रिलेशन मिलने वाले हैं एक रियल पार्ट वाला एक इमेजनरी पार्ट वाला इक्वेलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है आपने कहा कि z ऐसा है देखने में सेटिस्फाई करेगा पूरे का रियल पार्ट क्या आ गया ये पूरे की आयोटा वाली टर्म क्या आ गई ऐसी और अगर तुमको पता है कि ये जीरो है तो बेटा जी इधर रियल पार्ट मैंने कुछ प्लस माइनस गलत तो नहीं किया ना बेटा बस इतना देखना मुझे भरोसा नहीं अपना हाँ ठीक है इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के बराबर होगा एंड इधर का इमेजिनरी पार्ट इधर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा मुझे दो रिलेशन मिलने वाले हैं और ध्यान से देखो मेरे अननोन कितने हैं दो ही तो अननोन है एक्स और ए पूछा क्या गया है ए पूछा गया है निकाल दो यार यहां से मेरा एक्स बन गया माइनस ए बाय टू उसको यहां पे पुट कर दोगे अपने आप ए की वैल्यू आ गई सो इक्वालिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर यहां पे फायदा ये होता है कि कंपेयर करके आपको दो रिलेशन मिलते हैं यानी कि आप दो वेरिएबल्स तक अफोर्ड कर सकते हैं दो वेरिएबल तक अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा एक अनोन ए था एक मैंने यहां से एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया मुझे दो variable तक कोई खतरा ही नहीं है सर अगर फिर सवाल बोला होता कि रूट्स आर नॉन रियल तो जेड को एक्सप्रोसाइटावाई लेके हो जाता नहीं होता फिर कुछ और सोचना पड़ता क्यों अगर मैं एक्सप्रोसाइटा वाई रखता तो एक्स वाई और ये ए तीन अननोन आते कंपेयर करने के बाद इक्वेशंस दो मिलती नहीं कर पाता कुछ तो सोचना पड़ता तो जब आएगा तब देखेंगे क्या सोचते हैं ठीक है जी यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया शाबाश तो यहां पे डी नहीं लगाया जाता जब कॉफिशेंट मेरे नॉन रियल हो जाते हैं ग्रेट अगला सवाल देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है ओ कुछ नहीं यार एक ना थ्री या फोर डिग्री की क्वेश्चन दे देंगे सॉरी एक्सप्रेशन दे देंगे कहेंगे कि वैल्यू बता दो इसकी तुमको कितनों को याद है हमने क्वाड्रेटिक में ऐसा एक सवाल शायद किया था एक क्यूबिक देकर मैंने वैल्यू पूछी थी एट x इक्वल टू कुछ ऐसा कितनों को याद है और मैंने कहा सीधे पुट करके नहीं करना सीधे पुट करके नहीं करना याद है कुछ कुछ शाबाश हाँ सर एक क्वाड्रैटिक बनाते थे x को लिया वन प्लस रूट टू तो x माइनस वन इक्वल टू रूट टू कर दिया किया, तो ये आ गया एक्सर माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो हम एक क्वाड्रैटिक बनाते थे जिसका रूट ये है फिर ना इसको सर जी इस क्वाड्रेटिक की टर्म्स में लिख देते थे क्वाड्रेटिक की टर्म्स में लिखने का मतलब याद है ना डिवाइड करते थे इस क्यूबिक को स्क्वाड्रैटिक की टर्म्स में लिख देते थे कुछ क्वेश्चन आ जाता था कुछ रिमाइंडर आ जाता था और रिमाइंडर बहुत छोटा आता था रिमाइंडर बहुत छोटा आता था क्योंकि आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक से तो छोटा ही आएगा ना फिर जैसे ही इसको ऐसे लिखा मतलब दोनों बराबर हैं बराबर हैं तो किसी भी x पे वैल्यू भी बराबर आएगी तो एक्स को ना यहां पुट करने की बजाय यहां पुट कर देते थे क्योंकि पुट करते ही ये वाला टर्म जीरो बन जाता था और बचे हुए रिमाइंडर से आपके पास आंसर आ जाता था कुछ कुछ याद आ गया कुछ कुछ याद आया सिमिलर प्रोसीजर हम यहां पे भी लगाएंगे पूरे का पूरा मैं दोबारा करवा रहा हूं जिसको याद है उसका रिवाइज हो जाएगा जिसको नहीं याद है या जिसने क्लास तब नहीं लगाई थी आज समझ लो कहता इसकी वैल्यू बताओ वन प्लस टू बाई हो टापे सबसे पहले आपने क्या करना है एक क्वाड्रेटिक बनानी है जिसका रूट ये हो जिसका रूट ये हो एक क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका रूट ये है तरीका क्या है वन को इधर लेके आओ स्क्वेयरिंग कर दो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक प्लस वन प्लस वाइव तो क्वाड्रेटिक बनी जिसका रूट ये है इसकी वैल्यू इस एक्स पे जीरो आती है सेकेंड स्टेप इस क्यूबिक को इस क्यूबिक को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दो इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दो कर सकते हो हां सर बड़े आराम से कर सकते हैं पहले एक्स आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स कट सेवन एक्स स्क्तर माइनस सिक्स एक्स सिक्सटीन नीचे आ जाएगा सर जी फिर सेवन से कर देंगे लो जी सर डिवाइड तो कर दिया अब क्या करें अब कैलकुलेशन चेक कर लो क्योंकि तुमको पता तुम्हारा भाई जब भी कैलकुलेशन करता है ना अक्सर कांड हो जाते हैं एट एक्स माइनस नाइन नाइन कितना 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 है नाइन है ना, है ना, आएगा नाइन आएगा, 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 आएगा कहां पे आएगा यहां पे अच्छा प्लस था प्लस था प्लस था देखा मैं तभी बेटा मैं बड़ा ही केयरफुल रहने लग पड़ा हूं। मुझे पता ही है मैं छोटी छोटी गलतियां तो तुम्हें चेक करने के लिए अक्सर कर देता हूं इसीलिए मैं कहता हूं चेक करते रहो कुछ नहीं पता तुम्हारा भाई तुमको कहां पे चेक करना चाहता है है ना तो ये जान के थोड़ा बहुत ऐसे फन के लिए मैं करता रहता हूं लो नाइन फाइव का ठीक है माइनस प्लस माइनस कट ये कितना बन गया ट्वेल्व एक्स और ये कितना बन गया माइनस ट्वेंटी है ना अब देख लो अब कोई कांड तो नहीं हो गया अब सब ठीक है अब सब ठीक सेकेंड स्टेप डन एक बच्चा कहता था नॉट अंडरस्टैंड बेटा डिवाइड करना सीख लो जाओ सेवेंथ एथ में जाओ डिवाइड करना सीखो ओके <laughs> okay. तो हमने क्या किया सबसे पहला स्टेप किया इस एक्स वाली क्वाड्रेटिक बनाओ अब इस क्वेड्रेटिक की वैल्यू जीरो है जब भी एक्स इसके बराबर है ये पहला स्टेप दूसरा स्टेप जिसकी वैल्यू पूछी गई ना उसको इस क्वेड्रेटिक से डिवाइड कर दो अब है मेन स्टेप ध्यान से सुनना इस क्यूबिक को जिसकी वैल्यू पूछी गई है आपको उसको लिखिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं हां जी सर लिख सकते हैं अब बात है लास्ट स्टेप ध्यान से सुनना अगर आपको बोला गया था कि इसकी वैल्यू निकालिए आपने ये सब किया फायदा क्या हुआ सुनो अगर ये दोनों बराबर हैं जो कि है डिवीजन एल्गोरिथम गलत तो नहीं है अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैक्स को चाहे यहां पुट करूं चाहे यहां पुट करूं वैल्यू बराबर आने वाली है हाँ सर वैल्यू बराबर आने वाली है तो एक काम करो ना ये जो पुट करना है इसको राइट हैंड साइड में पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में मुश्किल होगा राइट हैंड साइड पे आसान होगा क्यों क्योंकि पुट करते ही बेटा ये वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी जो भी लिखा है एक्सप्लस नाइन लिख लो जीरो इंटू एक्सप्ल नाइन और जो बची हुई चीज है वो इतनी छोटी है कि तुम उसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे बची हुई चीज इतनी छोटी है कि उसको तुम आराम से कैलकुलेट कर लोगे ट्वेंटी नाइन है बिल्कुल ट्वेंटी नाइन बेटा लिख रहा हूँ ट्वेंटी नाइन मैं बेटा बोल देता हूँ ये तो चल चलो खेलने की चीजें हैं ना ये ट्वेंटी okay. तो आंसर क्या आ गया जीरो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी नाइन माइनस सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर रिवाइज हो गया सबका बोल दो फटाफट सबको याद आ गया क्या करते थे एवरीबडी सबको याद आ गया सबको याद आ गया और माइनस लिख दो बेटा वो फर्क नहीं पड़ता ठीक है और ये ये लो यार गुस्सा ना खाया करो करो थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत खेलने दिया करो। थोड़ा बहुत तो खेलता हूं वेरी गुड एक सवाल और करेंगे सारे के सारे साथ में आ जाओ अब मैं दोबारा कर रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम एक, एक क्विक रिवीजन सबसे पहला स्टेप सर जी एक्स को वो लेके क्वाड्रेटिक बना लो एक्स माइनस टू का स्क्वायर फाइव आयोटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सबसे पहला स्टेप डन सेकंड स्टेप सर जी इस क्यूबिक को ना एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टी थ्री एक्स माइनस नाइनटीन को डिवाइड कर दो इस इसक्वाटिक के साथ दूसरा स्टेप सबको याद आ गया क्लियर डिवाइड किया पहले एक्स आ गया एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्स ट्वेंटी एक्स सब कट तो ये कितना माइनस एक्स स्क्स एक्स कैलकुलेशन आप चेक करते रहेंगे पहले बता दूं कैलकुलेशन साथ में चेक करते रहना पहले बता दूं फिर किया माइनस वन के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन कट कट टेन सेकेंड स्टेप डन देन कम्स लास्ट थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या बेटा इसको जिसको आपने डिवाइड किया इतना बड़ा डिवीजन एल्गोरिदम लगा के लिखिए लिखिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अब क्योंकि दोनों बराबर है तो x की वैल्यू टू प्लस फाइव आई होटा चाहे इधर पुट करो चाहे इधर पुट करो वैल्यू तो बराबर आने वाली है तो अगर वैल्यू बराबर ही आने वाली है तो क्यों ना राइट हैंड साइड में पुट करके निकाली जाए क्योंकि राइट हैंड साइड में पुट करते ही ये वाला टर्म जीरो बनेगा यह क्वाड्रेटिक है ही जीरो इस एक्स के ऊपर तो जीरो बन गया पूरे का पूरा बचा क्या टेन आंसर आ गया टेन चकफ्ट पूरा प्रोसीजर रिवाइज हो गया कंसेप्ट के साथ नाइस इसी के साथ जो अगला कंसेप्ट है वो है स्क्वायर रूट आपने आज देखा कि पावर वन बाय थ्री बीच में आई थी हमें पावर वन बाय थ्री करनी नहीं आती थी तो हमने क्यूब करके काम चलाया ऐसे ही कभी स्क्वेयर रूट भी आ सकता है तो वहां पे स्क्वेयर करके काम चलाएंगे या स्क्वेयर रूट करके काम स्क्वेयर रूट ही फाइंड कर देंगे देखो फाइनली तुम्हें रियलाइज होने वाला है कि काम तो हम स्क्वेयरिंग करके करेंगे रूट नहीं निकालेंगे क्योंकि अब हम रूट निकालेंगे तुमको जमा नहीं पसंद आना पर सीखना जरूरी है देखो छोड़ तो नहीं सकते ना सीखना तो है ही है कि कैसे स्क्वेयर रूट निकाला जाता है गॉड ब्लेस यू लव यू बेटा तो आओ सीखते हैं कि स्क्वेयर रूट कैसे निकाला जाता है फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ आयोटा अभी तक तो तुमने आयोटा को देखना भी नहीं सीखा उसका स्क्वेयर रूट निकालना सीख रहे हैं इवेल्युएट स्क् रूट ऑफ टू माइनस आयोटा तो आओ देखते हैं कि कंप्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट कैसे निकाला जाता है अगर मुझे आयोटा का स्क्वेयर रूट पूछा गया है दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ आयोटा स्ट्रॉ कॉन्प्ट इक्वलिटी इज अ स्ट्रॉ कॉसेप्ट गौर बैसू जैसमीपी आपको समझ आ गया चीज अभी तो सुनो मुझे रूट ऑफ आयोटा पूछा गया है. एक बताओ बता। जब मैं तुमको पूछता हूं रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव तुम क्या बोलते हो फाइव तुम एक ऐसा नंबर सोचते हो जिसका स्क्वेयर जो है ट्वेंटी फाइव के बराबर आ जाए राइट right? तुम्हें कैसे पता रूट ट्वेंटी फाइव जो है फाइव जैसा दिखता है क्योंकि तुम्हें पता है कि यार नेचुरल नंबर इंटीजर्स कैसे होते हैं स्क्वेयर रूट कैसे निकाला जाता है मीनिंग क्या है ये चीजें पता है इस करके निकाल पाते हो फाइनली तुमने रूट ट्वेंटी फाइव को रूट ट्वेंटी फाइव ही क्यों नहीं छोड़ दिया फाइव क्यों लिखा क्योंकि तुम चाहते थे कि इसको मैं अच्छी अच्छी शक्ल में लिख दूं रूट ट्वेंटी फाइव को अच्छी शक्ल में लिख दूं तो तुम क्या चाहते हो तुम चाहते हो इसको अच्छी शक्ल में लिखना अच्छी शक्ल का मतलब इस शक्ल में लिखना डू यू ऑल एग्री भैया इंटीजर्स में अच्छी शक्ल फाइव थी कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छी शक्ल क्या होती है एक्सप्रेस है अच्छा फाइव अच्छा नहीं लगता अच्छा लगता है ऐसी रूट आईटा अच्छा नहीं लग रहा पर अगर ये इस फॉर्म में आ जाए तो अच्छा लगेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आओ बस यही करना है इसकी वैल्यू फॉर्म में लेके आनी है क्या दो वेरिएबल मुझे कंप्लेक्स नंबर में तंग करेंगे बोलो क्या दो वेरिएबल मुझे कंप्लेक्स नंबर में तंग करेंगे नहीं भैया नहीं करेंगे भाई आपने तो बताया कि कंप्लेक्स नंबर में जब आप इक्वालिटी लगाते हो ना तो दो इक्वेशन आ जाती है दो इक्वेशन आ गई तो आप दो वेरिएबल तक तो संभाल सकते हो तो आओ सबसे पहले मैंने स्क्वेयरिंग की क्योंकि मुझे रूट तो जमा नहीं पसंद आ रहा इसको हटाऊंगा तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा ऐसे तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा स्क्वेयरिंग कर दी इधर आयोटा आ गया अब यह बना एक्स स्क्वेयेर माइनस वाई स्क्र प्लस टू एक्स वाई आयोटा आयोटा मतलब जीरो प्लस आयोटा ऑब्वियस ही बात है अब मैं कंपेयर कर दू काम खत्म हो जाएगा दो इक्वेशन दो वेरिएबल काम खत्म हाँ आशुतोष उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा तो आपके पास कंपेयर करके एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा बहुत ही ध्यान सुनना अभी मेजर स्टेप है मेजर स्टेप सबसे पहली बात मैं इसको बोलूंगा स्टार स्टार क्यों बोला ये तुमको एंड में पता लगेगा एंड पता लगेगा स्टार क्यों बोला स्टार बोल दो अब मैं चाहूं तो इन दो इक्वेशन को एक यूजुअल वे में सॉल्व कर सकता हूं यूजुअल वे कि सर आ, वाई को वन बाय टू एक्स रख दो यहां पे रख दो कुछ सॉल्विंग कर लो बट ये जो यूजल वे है ना ये कैलकुलेशन को बहुत बढ़ाता है सेशन के बाद ट्राई करना यहां से वाई निकालना वहां पुट करना कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ाएगा तो हम ना इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड यूज करते हैं फिक्स मेथड यूज ठीक आप भी उसी को यूज करोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी और अगर आप ज्यादा दिमाग लगाने लग पड़े कि दो इक्वेशन तो है यहां से वाई निकाल के यहां पुट कर दो हो जाएगा थोड़ा काम बढ़ेगा ठीक है जी तो आओ वो फिक्स मेथड क्या है सुनो उससे पहले मुझे ये बता दो सबको याद है ये चीज a स्क्स बी का का अब हाँ भाई ये ये थोड़ी भूलते कभी हम भूलते तो कभी नहीं हो बट ये जब अप्लाई करता हूं ना तो बच्चे डर जाते हैं कई बार आओ अप्लाई करता हूं सुनो क्लियरली अब क्लियरली मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग तुमको आता है क्लियरली ए स्क्र प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्र अच्छा तुम्हारी को इजी थोड़ा इजी बनाता हूँ थोड़ा इजी थोड़ा सा इजी बना देते हैं ना ए बी कंफ्यूज हो जाएंगे पी प्लस क्यू का होल पी माइनस क्यू का होल स्क्र प्लस फोर पी क्यू अब थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाओगे यहां पर पी प्लस क्यू होल स्क्वेयर इज पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर प्लस फोर पी क्यू यह लिख सकता हूं बोलो गलती तो नहीं इसमें इसको देखो लिख सकता हूं क्यों लिखा ये छोड़ दो क्यों लिखा सब छोड़ दो लिख सकता हूं एक सिंपल गारंटी लिख सकता हूं ना कोई दिक्कत तो नहीं किसी को नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम हो तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू सर यह लिखा क्यों है इसका एक फायदा होगा फायदा यह होगा कि तुम्हारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या आ गई ये क्या है इसका स्क्वायर और यार मैंने ए बी क्यों लिख दिए मुझे एक्स वाई लिखने थे एक्स वाई हम्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो ए बी लिख दिया एक्स वाई लिख दिया ठीक है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जीरो वन अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर तुमको पता है जीरो एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तुमने क्या निकाल लिया भैया एक्स स्क्स वाई स्क्वेयर का होल स्क्र वन है तो यहां से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर कितना आएगा वन सर प्लस माइनस वन क्यों नहीं लिखा वन क्यों लिखा आपने बेटा आएगा तो प्लस माइनस वन पर क्योंकि यहां स्क्वेयर स्क्वेयर है तो फिर वो प्लस वन बन गया वेरी गुड निवेदिता डू यू एग्री इन दोनों को यूज करके एक्स वाई निकालने ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू इसको यूज करके डू यू ऑल एग्री सिंपल ऐड करो एक्स की वैल्यू सिंपल सब्ट्रैक्ट करो वाई की वैल्यू लव यू टू शेरा अब ये जो यूज किया गया ना ये आई विल सजेस्ट कि आप इसको याद रख लीजिए इसे लगा के आप एक्स वाई निकालेंगे तो आसानी से आएंगे इसके बिना निकालोगे तो बिलीव मी लेंदी जाता है कैलकुलेशन बात इनको ऐड किया तो टू एक्स स्क् की वैल्यू आ गई वन तो एक्स आ गया प्लस माइनस वन बाय रूट टू सब किया तो टू वाई स्क्यान तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन बाई रूट टू अब सुनना अब आएगी स्टार की इंपॉर्टेंस ऋग्वेद ऑफ कोर्स को रूट निकालना इज अ लेंथी प्रोसेस तभी मैंने एंड में कहा कि जब भी सवालों में कुछ आता है तो हम स्क्वेयरिंग करके सवाल करना प्रेफर करते हैं रूट नहीं निकालना चाहते हैं रूट बोरिंग होता है अब सुनो मेरी बात अब स्टार का काम आ रहा है ध्यान से सुनना Z क्या था जो आप निकाल रहे थे X प्लस आयोटा वाई एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस वन बाय टू वाई की वैल्यू वाई प्लस माइनस वन बाई रूट टू बट डू यू एग्री स्टार इज टेलिंग यू X एंड Y आर ऑफ सेम साइन X इंटू वाई की वैल्यू आ रही है हाफ दैट इज पॉजिटिव देयर फोर एक्स एंड वाई हैव सेम साइन डू यू ऑल एग्री सर जी ऑब्वियसली इसीलिए ये स्टार है ये एंड में जाके तुम्हें हेल्प करता है तो जब x को लेंगे वन बाय रूट टू तो y को भी प्लस वन बाय रूट टू और जब x को लेंगे माइनस वन बाय रूट टू तो y भी माइनस वन बाय रूट टू एक सवाल और करेंगे ताकि इसकी एक्सपर्टिस डिवेलप हो जाए उसके आगे डरना ही नहीं है ये मेरा आंसर आ चुका है एक सवाल और देख लो उए, पीछे चल पीछे चल हाँ कहता है ये फाइन करो अब बेटा अब ना ध्यान से स्पीड बना के करेंगे अब स्पीड बना के, टू माइनस फाइव उठा ये मुझे पूछा गया है पूछा गया मतलब मेरे को इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी लो जी स्क्वेयरिंग कर दी मैंने कंपेयर किया कंपेयर करते ही मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई और टू एक्स वाई की वैल्यू आ गई इसको मैंने पहले स्टार कह दिया मुझे पता मुझे एंड में यूज करना पड़ेगा यहां पे मैंने एक आईडेंटिटी खुद यूज की ताकि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाऊं उसको निकाल लूंगा तो एक्स वाई निकालने आसान हो जाएंगे पी प्लस क्यू होल स्क् पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू ये जो है आपने खुद यूज किया है खुद यहां पे लिखा है लिखने का पर्पस मैं बता चुका हूं आपको तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वेयर आ गया फोर प्लस वन ये इसका स्क्वेयर है तो x स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू आई रूट फाइव अब कुछ ऐसा होगा कि तुम कहोगे सर जी जिंदगी में मुक्ति दे दो हमें और कुछ नहीं चाहिए अभी देखना होने वाली है जो तुम कहने वाले मुक्ति चाहिए और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए विश्वास उठ गया हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकालो तोते उड़ जाएंगे भाई गॉड ऐड किया तो टू एक्स आया टू प्लस रूट फाइव तो आपका एक्स आया प्लस माइनस रूट ऑफ टू प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू सब्ट्रैक्ट करो टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस टू तो वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस और ऊपर जगह खत्म हो गई तो तुम्हारे पास y की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट फाइव माइनस टू बाय टू मुक्ति मिल गई <laughs> कौन सी मुक्ति बेटा तो दिस इज टेलिंग मी एक्स और y का प्रोडक्ट जो है वो माइनस हाफ है तो x और y जो है वो ऑपोजिट साइन के होने चाहिए ऑपोजिट साइन प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आंसर क्या आया Z इक्वल टू जब आप एक्स को लेंगे प्लस में तो वाई को लेंगे माइनस में आयोटा और जब आप एक्स को लेंगे माइनस में तो उसको लेंगे प्लस में मुक्ति मिल गई बताओ क्लैरिटी आई कि कंप्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना बहुत ही एक आ, का अप्रोच है बट बोरिंग प्रोसेस है लंबा प्रोसेस है तो हम कभी भी सवाल में जरूरत तो पड़ गई तो रूट निकालना नहीं चाहेंगे हम उसका स्क्वेयर करना चाहेंगे हम उसका स्क्वेयर करना चाहेंगे सो तोते और के पकड़ के लाया अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है अगर तुम समझ पाओ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है तुम तो में से कितनों को याद है कि रूट ट्वेंटी फाइव सिर्फ फाइव होता है इट इज नॉट माइनस फाइव बताओ कितनों को याद है कितनों को याद है बोलो रूट ट्वेंटी फाइव सिर्फ फाइव होता है माइनस फाइव नहीं होता प्लस माइनस फाइव नहीं होता रूट ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव राइट तो रियल नंबर में जब हम स्क्वेयर रूट निकालते हैं तो आपके पास एक ही वैल्यू आती है ओनली वन वैल्यू बट कंप्लेक्स नंबर में तू क्यों आ गया भाई जब हम स्क्र रूट निकालते हैं तो दो दो आंसर आते हैं कहां गया दूसरे वाला ये रहा दो दो आंसर आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर का स्क्वेयर रूट जो है ना वो दो आंसर होते हैं दो आंसर सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट निकालते तो क्या तीन आंसर आते Yes, तीन आते सर वो कैसे निकालते हैं सबर रखो आएगी उसकी बारी भी आएगी पर वो इतना गंदा नहीं होगा आ जाओ सो कंप्लेक्स नंबर में स्क्वेयर रूट दो आते हैं एक नंबर के क्यूब रूट एक नंबर के तीन आते हैं ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आएगा सबर रखो अभी हम चलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर आज का आखिरी टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे फाइव का रेसिप्रोकल बताओ तुम क्या बोलते हो वन बाय फाइव मैं तुम्हें बोलूं मुझे टेन का नेगेटिव बताओ तुम क्या बोलते हो माइनस टेन मैं बोलूं मुझे थ्री का स्क्वायर बताओ क्या बोलते हो नाइन तो रेसिप्रोकल का एक मीनिंग है जो तो तुमको पता है तुम वो लगाते हो रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज वन बाय टेन इसका कोई रीजन नहीं है वाई रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज वन बाई टेन सो दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इज वन बाय दैट नंबर डू यू ऑल एग्री डू यू ऑल एग्री दैट सो एक मीनिंग है रेसिप्रोकल का स्क्वेर का एक मीनिंग है माइनस का एक मीनिंग है पावर uh, का एक मीनिंग है ऐसे ही कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मीनिंग है तो आपने अगेन इस डेफिनेशन को इस मीनिंग को दिमाग में रखना है चैलेंज नहीं करना है चैलेंजिंग इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज वन बाय टेन सर वाई यू विल नॉट आस्क नो सेट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज डिफाइंड एज एक्स माइनस आयोटा वाई यानी कि रियल पार्ट को सेम रखिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए प्लस को माइनस बनाया यह नहीं याद करना इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए okay. दूसरी बात कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं तो कॉन्जोगेट जो होता है उसको जेड बार से डिनोट करते हैं जेड बार ट ऑफ जेड एग्जैक्टली अभिंग अगर मैं आपसे पूछू मुझे टू प्लस थ्री आयोटा कांजुगेट बताइए आप रियल पार्ट को सेम रखेंगे इमेजिन्री का साइन चेंज करेंगे मैं पूछू वन माइनस टू आयोटा काइए आप रियल पार्ट को सेम रखेंगे इमेजिनरी uh, का साइन चेंज कर देंगे रियल पार्ट जीरो है वो जीरो ही रहेगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा रियल पार्ट वन है वन ऐसे ही रहेगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा रियल पार्ट सेम ही रहेगा इमेजिनरी का साइन चेंज होगा बट जीरो वायोटा या माइनस जीरो वायोटा सेम ही है तो फर्क नहीं पड़ा सबको चमक गया सो कॉन्जुगेट मीन अरविंदर पत्र कॉन्जुगेट और रेस्टलेन में फर्क बता दो सर बेटा इजेशन एक अलग चीज है कॉन्जुगेट अलग चीज है सिमिलर कैसे मैं तो ये बता दो <laughs> मुझे तो यही नहीं पता कि सिमिलर क्या पे है हाँ तुम तो ऐसा कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स uh, नंबर्स में जब हम रैशनाइज करते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ऐसा बोल सकते हो बेटा मेरा बर्थडे नहीं है किसको हैप्पी बर्थडे कर रहे हो आ जाओ अगेन थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना इक्वालिटी टाइप की इफ दिस प्रोडक्ट इज इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस देन वैल्यू ऑफ एक्स क्या लिखा है आओ, कहता अगर ये जो प्रोडक्ट है ये इस नंबर का कॉन्जुगेट है ओके माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर इफ दिस प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ दैट तो एक्स बताओ वाई बताओ डू यू थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो वेरिएबल मेरे को कभी भी तंग करेंगे नहीं सर बिल्कुल ही तंग करेंगे क्योंकि दो इक्वेशन तो आराम से बनती हैं। तो थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स आयोटा माइनस थ्री वाई आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर बना माइनस वन प्लस हो गया प्लस फाइव वाई प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा कॉन्जुगेट था तो इमेजिनरी का साइन चेंज किया कंपेयर करो काम खत्म हो गया कंपेयर करते ही मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स दूसरी आगे फाइव एक्स माइनस थ्री बाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर जैसे ये दो इक्वेशंस आई आराम से मैंने एक्स और वाई निकाल दिए इक्वालिटी एंड तक मैं सवाल ऐसे करवा रहा हूं हालांकि इजी सवाल है जस्ट टू इंफेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी कि यहां पे दो वेरिएबल तक मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली <laughs> रुद्राक्ष अच्छा था ये भी सवाल देखो सॉल्व फॉर जेड सोल्व फॉर z. एक बात देखो एक इक्वेशन दे दी के तो z बताओ जब मेरे को पता है इक्वलिटी में दो वेरिएबल तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती तो क्यों ना मैं z को सिंपल x प्लस आयोटा बाई कह दू क्योंकि कंप्लेक्स नंबर देखने में ऐसा ही होगा और यहां पे पुट कर दू तो डू यू एग्री मैं x और बाई आराम से निकाल लूंगा डू यू एग्री मैं x और बाई आराम से निकाल लूंगा तो कंप्लेक्स नंबर में इक्वेशन सॉल्विंग में यह टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है सिंपल जेड को एक्स प्लस कह दो इक्वेशन में रख दो अपने आप दो इक्वेशन मिल जाएंगी और दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकालना बहुत आसान है तो एक्स आ गया वन बाय थ्री और वाई आ गया टू बाई थ्री तो आंसर आ गया वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री आयोटा डोंट वरी तुषार डोंट वरी थोड़ा पीछे से बाद भी देख लेना ठीक है ग्रेट थोड़ा सा डरावना बना दिया और मैंने कुछ नहीं किया है वही जेड को एक्सप्लोटा वाई एक क्वेश्चन जैसी मर्जी बना दो यार दो वेरिएबल तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती Z को फिर से कह दिया, X Iota भाई। रख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा टाइम एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर सॉरी ये ज्यादा बड़ा नहीं बन गया ना बेटा एट द एंड ऑफ डे एक रियल पार्ट आएगा एक इमेजिनरी पार्ट आएगा देखने में लग रहा है बड़ा कुछ भी नहीं है ये प्रोडक्ट कुछ नहीं है बेटा एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्र है अच्छा मुझे चैट में बताओ फटरताओ कॉमन मिस्टेक क्या है बच्चे इसको क्या लिख देते हैं बोल दो कॉमन मिस्टेक क्या है मैंने बिगनिंग में बताया था अभी भी आपको पता होगा इस प्रोडक्ट को बच्चे क्या लिख देते हैं क्या है कॉमन मिस्टेक बोलो 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 हाँ सर कॉमन मिस्टेक है बच्चे इसको एक्सक्वेर माइनस वाई स्क्र लिख देते हैं एक्सक्र माइनस वाई स्क्र नहीं एक्सक्र प्लस वाई स्क्र वेरी गुड दिल खुश करता ओपन करके एड कर दो राइट एक्सक्वेर एक्सक्वेयर एड हो जाएगा टू एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र माइनस वाई स्क् माइनस टू वाई स्क्र टू एक्स वाई आयोटा माइनस टू एक्स आयोटा कट जाएंगे आपस में क्वल टू फाइव प्लस सिक्स आयोटा। घटिया सी दो इक्वेशन आ गई बेटा इधर का रियल पार्ट ये है तो वो फाइव के बराबर होगा इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है तो वो सिक्स के बराबर होगा टू से कट कर दो एड करोगे एक्स आ गया सब करोगे वाई आ गया सवाल खत्म हो गया अब इस कैटेगरी में एक सवाल देखो जो वो मेन में तुमको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर सकते हैं होंगी दो इक्वेशन ही बट वहां पे एक थोड़ा सा पिंच डाल देंगे भाई सोचना पड़ेगा हर बार इतनी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आएगी राइट right? जैसे कि ये सवाल देखो लेट जेड इक्वल टू एक्सप्रोटा बाई कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है, है कहता है ये वैल्यू इसके बराबर है तो मुझे x इंटू वाई बता दो ठीक है मतलब उसे खुद ही हिंट दे दिया z जो एक्सप्रसाउटा वाई है तो हमने भी ज्यादा फोकस डर नहीं मारा रख दिया यहां पे पहले तो एक काम करते हैं जेड और जेड कॉन्जुगेट कॉमन निकाल लेते हैं है ना बाहर आ रहा है थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा क्यूब नहीं करना पड़ेगा अंदर बचा जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर ऐसे आ गया कॉमन निकाल लिया ये हमने पिछले सवाल में यूज किया एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और धीरे धीरे अब इसको याद कर लो ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसको याद कर लो बहुत ज्यादा यूज होता है ये भी हमने पिछले सवाल में ही यूज किया क्या आ गया था टू टाइम एक्स स्क्र माइनस टू टाइम वाई स्क्र प्रेफरेबली इसको भी याद करो क्योंकि काफी ज्यादा यूज होगा बार बार स्क्र करके करेंगे टाइम लग जाएगा तो याद कर ले कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको इक्वल टू थर्टी तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू फिफ्टीन डू यू रियलाइज तुम्हारे पास आयोटा बचा ही नहीं आयोटा बचा ही नहीं आयोटा उड़ गया पूरा अब अगर आयोटा पूरा उड़ गया तो मेरे को दो इक्वेशन तो मिल ही नहीं रही बोलो 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 प्रवीण बेटा इंटीग्रेशन कल शुरू हो रहा है बेटा कल या आज रात को कल आज कल कल शुरू हो रहा है बेटा इंडेफिनेट कल शुरू हो रहा है प्रवीण डू अंडरस्टैंड यहां तो आटा उड़ ही गया अब कंपेयर करके दो इक्वेशन कहां से बनाए अब यहां पे लगाओ दिमाग दिमाग ये था एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स तो पक्की बात है ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है तो क्यों ना मैं राइट हैंड साइड को भी दो इंटीजर के प्रोडक्ट में लिख दूं अब 15 जो है या तो 5 इंटू थ्री लिखा जा सकता है या फिर 15 इंटू वन लिखा जा सकता है अगर इंटीजर के प्रोडक्ट की बात करूं मानते हो हां सर अगर मैं पहला पॉसिबिलिटी लेता हूं तो मेरे पास यहां से x और y क्या रहे? ऐड किया टू एक्स स्क्ट एक्स x आ गया प्लस माइनस टू सब्ट्रैक्ट किया टू वाई स्क्र टू तो वाई स्क्वेयर वन तो y आ गया प्लस माइनस वन आंसर आ गया तो यहां से पता लगा x इंटू वाई विल बी टू और माइनस टू यह मुझे प्रोडक्ट पूछा गया था और अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लू और अगर मैं एक्स प्लस वाई स्क्र को फिफ्टीन और एक्स एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वेयर को वन ले लू तो ट्राई टू सी तुम्हारे पास एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो नॉन इंटीजर आ रही है एड करो तो टू एक्स स्क्वेयर क्या आया सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आया एट तो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट एट रिजेक्टेड एक्स वाई इंटीजर है पर सर आप एक शरारत कर गए एक शरारत आपने एक प्लस वाई को फाइव और एक्स स्क्वायर को थ्री लिया उल्टा क्यों नहीं लिया ये थ्री और ये फाइव क्यों नहीं ले लिया अब बेटा यहां पर शरारत नहीं की मैंने एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वेयर जो है वो एक्सक्र माइनस से बड़ा ही तो होगा तो उसको फाइव इसको थ्री लेंगे ना तो ये क्या आ गया एक ऐसा सवाल जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ गया आयोटा था ही नहीं आइडिया समझ आ गया सबको तो कई बार थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है और वो दिमाग वहां से हिंट लग जाता है कि कुछ इंटीजर जैसी चीज दी तो कुछ अच्छा होने वाला होगा राइट नो 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 माइनस नेगेटिव नहीं लेंगे ना बेटा स्क्वेयर का सम एक्स स्क् प्लस एक टर्म तो पक्का पॉजिटिव है ना एक टर्म तो पक्का पॉजिटिव है तो माइनस फाइव और माइनस थ्री का पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे ठीक शाबाश। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट भैया देखो जी आपने इंडी सिज पढ़े थे तो आपने इंडी की कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे ना ए पार एम इंटू ए पार एन इज ए पार एम प्लस वन एम प्लस एन ए पार एम डिवाइड बाई ए पार एन इज ए पार एम माइनस एन तो जैसे ही आप Indices पढ़ते हो आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हो एक नया ऑपरेशन आता है आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हो सेम कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है अब खुद सोचना ध्यान से खुद सोचना अगर तुमको आज की डेट में ये नहीं आता तो डू यू एग्री तुम बहुत जगह पे अटकने वाले हो मानते हो तुम बहुत जगह पे अटकने वाले हो मानते हो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे जगह जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी तो सेम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो बहुत जगह पे अटकने वाले हो तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी ऑल दो देर वेरी ऑब्वियस मतलब याद रखनी क्या याद हो ही जाती हैं बहुत ऑब्वियस है जैसे कि कॉन्जुगेट अगर दो बार लोगे तो मुड़के जेड मिल जाएगा मानते हो इमेजनरी पार्ट का साइन दो बार चेंज कर दिया तो मुड़के वहीं पर आ गया तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट खत्म प्रोडक्ट पे कॉन्जुगेट टूट जाता है ये चीज ऐसे ऑब्वियस नहीं है इसमें आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिखेगा कि दोनों बराबर आते हैं कैलकुलेट करके आप z1 को लेंगे x1 वन प्लस आयोटा वाई वन को लेंगे x2 टू प्लस आयोटा वाई आप z1 z2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे इस वैल्यू को आप बोल दोगे कि यह आ गया फिर आप सेपरेटली z1 वन कॉन्जुगेट निकालोगे z2 टू कॉन्जुगेट निकालोगे और इनको मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे कि ये वैल्यू जो है बराबर आ रही है आइडिया क्लियर ठीक तो जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई ये ये ऐसे दिखेगी नहीं ये आपको लेकर मल्टीप्लाई करके दिखेगा कि बराबर ही आते हैं फर्क नहीं पड़ता ठीक नाइस बट है तो याद करना बहुत आसान है इसका एक पर्टिकुलर केस है जो कि आईआईटी तक में एक्सप्लोर uh, हो चुका है बहुत बेसिक सा है पर देखने में बेसिक लगता है नहीं है और वो क्या है पावर जो है वो कॉन्जुगेट के अंदर बाहर चली जाती है पावर जो है वो कॉन्जुगेट के अंदर बाहर चली जाती है जेड पावर एन का होल कॉन्जुगेट इज जेड कॉन्जुगेट कैन हाउ वेरी सिंपल जेड इंटू जेड एक काम करता ना छोटी पावर के लिए दिखा देता हूं छोटी पावर के लिए देखो z क्यूब का कॉन्जुगेट क्या होगा z इंटू जेड इंटू जेड पूरे का कॉन्जुगेट आपने अभी पढ़ा कॉन्जुगेट प्रोडक्ट पे टूट जाता है तो z कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट क्या बन गया पावर बाहर चली गई राइट right? सो so, इसको याद करने का तरीका क्या कि पावर अंदर बाहर चली जाती है कॉन्जुगेट के फर्क नहीं पड़ता इसको याद ऐसे करना पावर अंदर बाहर चली जाती है <laughs> नाइस अब कॉन्जुगेट जेड वन बाय जेड टू होल कॉन्जुगेट अगर प्रोडक्ट पे टूट गया तो डिवीजन ने कौन से पाप किए हैं डिवीजन पे भी टूट जाता है अब वो प्रॉपर्टी जहां पे मैक्सिमम बच्चे पेपर में गलती करके आते हैं एडिशन पे कॉन्जुगेट सिंपल टूट जाता है सर जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा माइनस नहीं आ जाएगा कॉन्जुगेट तो प्लस को माइनस बना देता है ना बेटा ना 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 कॉन्जुगेट ना, ना, ना। प्लस को माइनस बनाता है जेड के अंदर वो जो आयोटा वाई था वो माइनस वाई बनता है जेड थोड़ी माइनस जेड बन जाता है बोलो और yes नो no? ये ऐसा थोड़ी होता है z अगर x प्लस अयोटा वाई है तो z का जो कौन जो है वो x माइनस आयोटा वाई होता है तो z के अंदर चेंज होता है z नहीं पूरा माइनस हो जाता ठीक है।, है तो कभी भी ये मत लिख देना ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चे अक्सर माइनस बना देते हैं प्लस का शाबाश तो सिंपल एडिशन पे टूट जाता है सब्ट्रैक्शन पे टूट जाता है कोई दिक्कत नहीं आती जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुकेट इसके ऊपर इंडिपेंडेंट सवाल भी बनते हैं देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सवालों के बीच में कुछ कुछ यूज होती रहेंगी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जहां पे इंडिपेंडेंट सवाल क्रिएट हो जाता है राइट तो ये वो प्रॉपर्टी है z प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर किसी नंबर में अगर किसी नंबर में उसी का कॉन्जुगेट ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी 2x, एक्स right? राइट तो यानी कि ये वैल्यू आएगी टू टाइम रियल पार्ट ऑफ z एक इंटरेस्टिंग बात देख पा रहे हो z प्लस जेड कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है उसमें आयोटा नहीं है प्योरली रियल वैल्यू या कह लो कि रियल वैल्यू आई है तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर डू यू एग्री ऑलवेज अ रियल नंबर आई शाबाशा अब इस पे आ जाओ Z माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर यहां पे सब्ट्रैक्शन होता तो x कट जाता और आयोटा बाई एड हो जाता तो टू आयोटा वाई वाई को क्या लिख देंगे रियल सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एक चीज देख पा रहे हो Z माइनस जेड कॉन्जिकेट की वैल्यू जो आई है वो प्योरली इमेजिनरी है इसमें रियल पार्ट है ही नहीं मैं इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं कुछ तो सवालों में बताऊंगा क्यों कर रहा हूं बट एक नजरिया बताने लगाऊ वो नजरिया दिमाग में रख लो सुनो मेरी बात एक चीज बताने लगाऊ उसे दिमाग में रखो जहां पे भी z प्लस जेड कॉन्जुगेट को देखना होगा आप इजिली देख पाएंगे 2x एक्स जहां पर भी z माइनस जेड कॉन्जुगेट को देखना होगा आप इजिली देख पाएंगे टू एटा वाई और क्या मेंटोस जिंदगी आप देख पाएंगे आ जाओ अगर इफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो आ जाए तो डू यू एग्री आप कह सकते हैं कि टू एक्स जीरो आ गया देयरफॉर फोर जेड जो है वो जीरो प्लस आयोटा टाइप का होगा डू यू ऑल एग्री अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो है या आ गया तो आप कह सकते हैं कि टू एक्स इज z जीरो प्लस एयोटा वाई टाइप का होगा यानी कि z इज प्योरली इमेजिनरी सर यहां तो आप प्योरली रियल कह रहे थे मैंने यहां जो रियल कहा है वो z प्लस जेड कॉन्जुगेट की ओवरऑल वैल्यू को कहा है Z को नहीं कहा यहां पे होते हैं बच्चे कंफ्यूज बच्चे करते हैं इसको याद कि इसकी जो वैल्यू आई वो ना रियल आती है वो रियल आती है अरे ये इसकी वैल्यू आई है Z की वैल्यू नहीं आई है Z की वैल्यू नहीं आई यहां पे मैं जो कंक्लूड कर रहा हूं Z के बारे में कर रहा हूं थोड़ा सा समझ आया थोड़ा सा समझ आया बोलो बोलो सर पर ये आपने z प्लस जेड कॉन्जुकेट को जीरो लिया क्यों जरूरी थोड़ी वो जीरो हो वो वन टू कुछ भी हो सकता था मैंने नहीं कहा कि वो जीरो होगा मैंने कहा अगर वो जीरो हुआ तो क्या होगा मैंने तो ये कहा सुनो yes no? अगर वो जीरो हुआ तो क्या होगा मैंने तो इस पर कमेंट किया जस्ट अ केस तो आओ अब तुम्हें थोड़ा सा इसको एक्सपोजर देता हूं सवालों में ठीक है तो जैसे मैंने समझाया कि प्रॉपर्टी सिक्स जो है ना वो जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अराउंड सवालों में हेल्प करता है ओके तो आओ देखते हैं क्या होता है सवाल में सवाल पढ़ो अब जिस तरह से मैं करूंगा तुमने उस तरह से करना है याद रखना वरना कंफ्यूजन होगा इफ जेड प्लस जेड क्वानी जीरो इज रियल इमेजिनरी जीरो नन तुम कहोगे z प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो सर जी मेरे लिए तो ये एक इक्वेशन है z में मुझे पता है कि z की इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है ऐसे ही करना है जैसे मैं कह रहा हूं ना वैसे ही करना है सर ऐसे सॉल्व करते हैं तो बेटा जी ये सर जी बन गया x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस तो सर जी x आ गया जीरो अगर x जीरो आ गया तो z की वैल्यू आ गई आयोटा वाई सर जी वाई मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि यहां ये मुझे पता है अगर ये मुझे पता है तो मुझे पता कि जेड का रियल पार्ट नहीं है जेड की वैल्यू टू आयोटा इंटू वाई है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा मैं बेसिकली आप में एंकरेज ये कर रहा हूं कि नो no डाउट मुझे रिजल्ट्स याद कर लेने कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ऐसा होता है फलाना होता है बट यह कभी नहीं भूला कि प्राइमेली इसके थ्रू ही सवाल को किया गया है इसके थ्रू ही किया गया है अगर जेड माइनस जेड माइनसुगेट जीरो दिया होता सवाल में तो z के बारे में क्या कह सकते थे भैया z माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर जीरो दिया है तो z को लेंगे एक्स प्लस अयोटा वाई एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स कट के टू आयोटा वाई जीरो तो वाई की वैल्यू जीरो तो z जो है ना सर जी वो x प्लस जीरो आयोटा टाइप का है तो z की वैल्यू पक्के से प्योरली रियल है प्योरली रियल है अब सुनो मेरी बात जो असली मेंट जिंदगी है ना वो जो तुमने इन दो सवालों में सीखा है उसको इनडायरेक्टली यूज करने में है अभी सवाल आने वाला है तोते उड़ेंगे मजा आएगा ठीक है यानी के इन दो पर्टिकुलर केस को हमें याद रखना जरूरी है अब सुनो मेरी बात अगर मैं प्रूव कर दूं कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो है तो डू यू एग्री इसका मतलब होगा कि 2x एक्स जीरो है तो x जीरो है तो इसका मतलब होगा z देखने में ऐसा है डू यू एग्री डू यू एग्री अगर मैं प्रूव कर दूं किसी सवाल में z प्लस जेड कॉन्टूट जीरो आया है तो मैं कह सकता हूं z आयोटा वाई है अब सुनो मेंटोस जिंदगी। सवाल में आएगा प्रूव दैट कुछ दिया होगा फिर लिखा होगा प्रूव दैट z इज प्योरली इमेजिनरी यह बोला होगा सवाल में तुम्हें तो कुछ दिया होगा और बोला गया होगा प्रूव करो कि जेड प्योरली इमेजिनरी है तो डू यू एग्री वहां पे अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो मेरा सवाल खत्म हो जाएगा तो मेरा सवाल खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट का जीरो होना इस सेम एस कि z प्योरली इमेजिनरी है इज सेम एस कि z प्योरली इमेजिनरी है सवाल देखना इसको बाद में रिपीट भी करना है आपने मेथड वन जो आपका होमवर्क है वो है लेट z इक्वल टू एक्सप्रेस आई एंड प्रोसीड देखो इससे तो सब होगा सब कुछ होगा ये आपने करना है फर्क तो बस है कि कुछ जगह पे बाकी चीजें थोड़ी सी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं थोड़ी सी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं सवाल को ध्यान से सुनना कहता इफ इफ दिस वैल्यू इज प्योरली इमेजिनरी देन फाइंड मॉड जेड ओके मैं इसको जेड वन बोल देता हूं अब सुनो अगर मुझे बोला गया है कि जेड वन प्योरली इमेजिनरी है एक पूरा नंबर ही तो ना बड़ा सा एक बड़ा सा नंबर है राइट right? जैसे थ्री माइनस वन अपॉन फाइव प्लस टू फाइनली एक नंबर है ना टू अपॉन सेवन फाइव प्लस वन अपॉन थ्री प्लस टू फाइनली नंबर है ना फोर अपॉइंट सिक्स या फोर अपॉइंट फाइव एक नंबर है ना तो सेम ये एक नंबर है एक नंबर है उस नंबर को जेड वन बोल देते हैं तो अगर मुझे बोला गया है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो डू यू एग्री आई कैन से जेड वन प्लस Z1 वन कॉन्जुगेट शुड बी जीरो शुड बी जीरो राजेश यह सब बातें सेशन के एंड पे अभी नहीं डू यू एग्री मैं इसको Z1 बोल देता हूं अगर मुझे पता कि ये प्योरली इमेजिनरी है तो मैं कह सकता हूं कि Z1 वन प्लस जेड वन कॉन्जुगेट जीरो होगा डू यू ऑल एग्री ये नंबर आयोटा वाई टाइप का है पूरी वैल्यू आयोटा वाई टाइप की है तो आयोटा वाई प्लस उसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा वाई कट के जीरो बनेंगे Z1 की वैल्यू Z माइनस वन अपॉन Z प्लस वन इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू Z माइनस वन का कॉन्जुगेट Z प्लस वन का कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो कॉन्जुगेट डिवीजन पे ब्रेक हो जाता है कॉन्जुगेट डिवीजन पे ब्रेक हो जाता है कॉन्जुगेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी ब्रेक होता है तो z कॉन्जुगेट माइनस वन का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस वन का कॉन्जुगेट कितने बच्चों को ये समझ आता है कॉन्जुगेट डिवीजन पे ब्रेक होता है एडिशन पे ब्रेक होता है सब पे ब्रेक होता है हर जगह टूट जाता है तोड़ देंगे अब वन एलसीएम तो ले लू मेरा सवाल खत्म है टेक एलसीएम नीचे जो मर्जी आ जाए बाड़ में गया वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके खत्म ही होना है ये इधर मल्टीप्लाई हुआ z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड माइनस वन और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस वन ये तो खत्म हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके अब देखो प्लस जेड माइनस जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट तो बचा क्या z z कॉन्जुगेट z z कॉन्जुकेट टू टाइम z z कॉन्जुगेट माइनस वन माइनस वन यानी कि माइनस टू उधर जाके हो गया टू तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वन आ गया सर मेरे पास तो यार ये शिट 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 बेटा ये सवाल थोड़ा ठीक करना है सॉरी 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 फाइंड वैल्यू ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट सवाल ये, ये है ठीक है सवाल को ठीक कर रहा हूं यहाँ पे हाँ टाइपिंग एरर है मॉड जेड नहीं मीन ये ये नोटेशन नहीं जेड इंटू जेड कॉन्जुकेट है तो जेड इंटू जेड कॉन्जुकेट क्या ऑफ कोर्स गेमर्स वो गलती से मॉड जेड यहाँ पे लिखा रह गया यहाँ पे जेड इंटू जेड कॉन्जुकेट लिखना था मैंने <laughs> वो थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे टाइपिंग एरर है अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनना गॉल बेस्ट संजय बेटा एक अप्रोच इसकी है सिंपल जो हर बार लगती है आपने लगानी भी है और एक अप्रोच क्या है ये ये जो है ना ये अभी के लिए थोड़ी सी गंदी लगेगी बट अगर आपने सवाल को सेशन के बाद रिपीट किया इस अप्रोच के साथ उसके बाद डीपीपी कर लिया डीपीपी में एग्जैक्टली इसका एक भाई मैंने डाला हुआ है तो इस अप्रोच पे हाथ बैठ जाएगा और ये बहुत घटिया लगनी शुरू हो जाएगी पॉइंट बस यही है यस अवनीश पॉइंट बस यही है कि अगर कोई चीज प्योरली इमेजिनरी दी गई है तो उसको यूज करने के दो तरीके होते हैं बस ये समझना है अगर कोई चीज प्योरली इमेजिनरी है तो उसको यूज करने के दो तरीके आपको पता होने चाहिए पहला उसकी जो वैल्यू है वैल्यू वो कर पिर के कट पिट के ऐसी आ जानी चाहिए उसकी वैल्यू कट पिट के ऐसी आनी चाहिए राइट right? या फिर दूसरा उसकी वैल्यू प्लस उसका कॉन्जुगेट जीरो होना चाहिए ये दोनों मतलब आपको पता होने चाहिए ठीक है Z अगर प्योरली इमेजरी है तो ऐसा Z को प्योरली इमेजरी प्रूव करना है तो ये इनमें से कुछ भी कर दो काम बन गया काम बन गया ठीक आइडिया समझ गए? शाबाश। मूविंग टू एंड ऑफ द सेशन सबको याद कॉन्जुगेट में पावर अंदर बाहर चली जाती है अभी थोड़े से चक्कर आ सकते हैं, ध्यान से सुनना पावर अंदर बाहर चली जाती है तो मुझे एक बात बताओ तुम देख पाते हो कि ये दो नंबर जो हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है देख पाते हो देख पाते हो जस्ट इसको दिमाग में रखते हुए कि पावर का कोई पंगा नहीं है पावर का कोई पंगा ही नहीं है मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो वो अंदर चला जाएगा और अंदर ये बना देगा राइट right? शाबाश तो अगर मुझे ये दिखता है तो कितने बच्चे सवाल को देखते ही देखते ही सोच पा रहे हैं कि यार ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाड़ में क्या कुछ होगा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट है कितने देख पाते हैं बोल दो शुभम रुक जाओ बेटा कितने बचे देख पाते हैं ये जो नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट है देख पाते हैं तो जो Z की वैल्यू है Z की वैल्यू है वो देखने में कैसी है Z की वैल्यू देखने में है एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट नंबर Z की वैल्यू देखने में ऐसी हुई बोलो ऐसी है वैल्यू जस्ट लाइक जस्ट लाइक टू पावर टेन प्लस थ्री पावर टेन अरे फाइनली दो नंबर्स का सम है ना ऐसे ये भी कंप्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका एडिशन ही तो है फर्क इतना है कि ये दोनों नंबर आपस में कॉन्जुगेट है तो अगर मेरा जेड देखने में ऐसा है तो डू यू एग्री जेड की जो वैल्यू आने वाली है वो 2x टाइप की आने वाली है वो 2x टाइप की आने वाली है उसमें आयोटा नहीं आ सकता डू यू ऑल एग्री तो so Z की जो वैल्यू आने वाली है वो 2x टाइप की आने वाली है यानी कि Z में आयोटा की टर्म नहीं आने वाली Z में आयोटा की टर्म नहीं आने वाली शिव स्टूडियो बेटा वो बहुत लेट है बेटा वो तो लास्ट सेशन में आएगा थर्ड सेशन में आएगा सेकंड के एंड में भी आ सकता है वैसे जो आप कह रहे हो सेकंड के एंड या थर्ड में आएगा ओके okay. तो ये ना यार ना आज सेशन के बाद आपने इस पे इस पे इस पे और इस पे सोचना है इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू क्या होती है अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या कह सकते हैं और अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या कह सकते हैं इन चार चीजों को आपने सोचना है स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों को आपने सोचना है इनको आपने सोचना है इस पे सोच के ही आपको क्लैरिटी आने वाली है ओके okay. सो so, इसके साथ ना ये कॉन्जुगेट के जो थोड़े सवाल हैं, वो खत्म होते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे कॉन्जुगेट खत्म नहीं हुआ है कॉन्जुगेट आता रहेगा पर कॉन्जुगेट की डेफिनेशन प्रॉपर्टी उसको यूज करने का तरीका वो खत्म होता है ठीक है अरविंदर मैं देखता हूं बेटा डीपीपी इसकी है आ, सेशन के बाद इमीडिएटली मैं अपलोड करवा देता हूं पता नहीं क्यों नहीं नॉर्मली तो पहले ही होती है मैं चेक करवा देता हूं ठीक है वेरी गुड सो एक सवाल शुभम कह रहा है पिछले सवाल में जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट आना है बेटा आना तो नहीं चाहिए सवाल क्या कह रहे हो तुम लोग बेटा यहां पे अगर कह रहे हो तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है तो आप प्रूव कर दो कि वो नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट जीरो है प्रूव कर दो ठीक है अगर आपको गिवन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आप कह दो कि वो नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट जीरो होगा ये नहीं तो बेटा जो भी कह रहे देख लियो यार देख लियो <laughs> बेटा सब ठीक तो है कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं बेटा मेरे को नहीं लग रहा है कहीं पर भी कोई गड़बड़ है बेटा ठीक लिखा हुआ है ठीक है ओके okay. सो so, ये था आज का सेशन इसके साथ तैयारी करते रहो मजे करते रहो शिवम होगा डी में होगा शिवम डी सीरीज में जाओ डी सीरीज में मिलेगा आपको तो भैया लाइक कर दो तुम लाइक करते हो मेरे को मजा आता है दोस्तों इससे शेयर करो तुम शेयर करोगे बहुत बच्चों की हेल्प हो पाएगी एंड सब्सक्राइब करो अगर रेगुलर तैयारी करना चाहते हो कुछ मिस करना नहीं चाहते हो और ये बता दूं कि <laughs> के दो हफ्तों में कुछ हम बड़ा प्लान कर रहे हैं तुम्हारे लिए जो यूट्यूब पर ही पढ़ते हैं उनके लिए भी और जो यूट्यूब के साथ साथ प्रो पे भी पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन लेके उनके लिए भी तो दोनों के लिए एक बड़ी चीज़ आने वाली है स्टे ट्यून्ड और उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर तो मिस ना कर देना एंड uh, तुमको पता है अगर तुम प्रो पे आ चुके हो तो तुम कहाँ पे जाने वाले हो टॉप पे जाने वाले हो राइट right? एंड uh, चाहे हंड्रेड परसेंट टेलट की बात है चाहे कुछ भी मतलब विदाउट ओवरऑल बेस्ट फॉर योर जेई प्रेपरेशन ओके हर्ष डेट्स ग्रेट एंड हर्ष अभी से बात करते हैं बेटा तो मैं इसको ओवरऑल बेस्ट क्यों कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ओवरऑल रेंज में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जहां पे 100 परसेंटाइलर्स 20 45 के आसपास है वहां पे 99 से ऊपर 700 बच्चे हैं समझ रहे हो 99.9 से ऊपर 27 बच्चे हैं 97 परसेंटाइल से ऊपर करीबन 17 1800 बच्चे हैं मतलब सबके रैंक्स अच्छे आते हैं यानी कि ऊपर का ही अच्छा आता है सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है जो विदांतू पे पढ़ता है अपने कैलिबर के हिसाब से अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से आप वहाँ पहुँचा दिए जाते हो आपको ठीक है इसलिए गॉड ब्लेस यू बेटा <laughs> तो इसलिए आपको अगर कोचिंग जो आप लेना चाहते हो ना उसके लिए प्रो पे जुड़ जाओ साथ में एक बच्चा भी पूछ भी रहा है कि सर यूट्यूब एंड वेदांतु जेई चैनल पे आई I मीन mean, वेदांतु जेई चैनल एंड प्लस जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आप कैसे बैलेंस बनाने की बात करते हो या बेटर क्या है बट इट्स नॉट अबाउट बेटर इट्स अबाउट योर रिक्वायरमेंट अगर आपको सिर्फ वन साइडेड नॉलेज से आप पढ़ पाते हो आपके डाउट अपने क्लियर होते हैं आप अपना मोटिवेशन बना के रख पाते हो आप अपना डिसिप्लिन बना के रख पाते हो कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आती तो आज की डेट में आपको यूट्यूब से पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली आपको इस चैनल पे इन डेप्थ हर एक चीज पढ़ाई जाएगी बट अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को ना मैं पढ़ूंगा बट मुझे साथ में गारंटी भी दो कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा मतलब मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है वो यहां पे नहीं वो चैनल पे मिलेगा वो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा आप कहते हो कि मेरे को पोस्ट क्लास कंटेंट भी चाहिए प्रॉपर असाइनमेंट और एक क्वेश्चन बुकलेट जो चैप्टर खत्म होने के बाद लगाओ वो आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा आप चाहते हो मेरे फोर्थ नाइटली टेस्ट भी हो मेन पैटर्न एडवांस पैटर्न वो सब्सक्रिप्शन पे होगा आप चाहते हो क्लास के बाद मेरे पास डाउट ऐप का एक्सेस हो जहां से पढ़ते हुए कोई डाउट आए तो मैं डाउट पूछ पाऊं वो आपका सब्सक्रिप्शन में होता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इन क्लास डाउट लेने सर आपसे पढ़ते पढ़ते तो वो सब्सक्रिप्शन पे होगा ठीक है सब्सक्रिप्शन में डुअल टीचर मॉडल की वजह से सारे के सारे डाउट्स टेकन केयर ऑफ तो ये आपके जो है ना रिक्वायरमेंट पे है काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉलेज लेके आगे का, का काम खुद कर लेते हैं पढ़ लिया डाउट्स आने नहीं दिए इतना टाइम लगाया कंटेंट को कहीं से अरेंज कर लिया टेस्ट कहीं से अरेंज कर लिए टाइम लगाते गए कि डाउट आया तो खुद माथा हमारा लगे रहे कर लेते हैं डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं डेली छत घंटे पढ़ लेते हैं रेगुलरली उनके लिए यूट्यूब आज की डेट में बीइंग वेरी फ्रेंसियंट है सफिशियंट इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है पूरी हाइएस्ट लेवल की आपको दी जाएगी कोचिंग यहां पर बट अगर आपकी जरूरतें ये हैं डिसिप्लिन बनाने में प्रॉब्लम होती है आपको प्रॉपर कंटेंट चाहिए आपको डाउट ऐप चाहिए इन क्लास डाउट चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आई होप जो बच्चा पूछ रहा था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा ठीक है ओके शिवम दैट्स ग्रेट चलो गुड गुड अरविंदर आ, बेटा देखो तुम्हारा अभी ये जेई मेन जो अभी तैयारी 2021 के लिए चल रही थी उसके चक्कर में थोड़ी स्पीड कम हुई थी क्योंकि थोड़ा सा हम पुराने चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे थे ताकि तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाए और ट्वेंटी वन का भी फायदा हो जाए बट उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तुम्हारे सेशन कुछ रात को आठ बजे भी लगा करेंगे एक दो हफ्ते के लिए ताकि सिलेबस जो थोड़ा बहुत पीछे गया वो वो ट्रैक पर आ जाए ठीक है तो आपका जो बोला गया था आपको बिगनिंग में मेरे ख्याल से एलेवंथ का सिलेबस आपको नवंबर बिगिनिंग या अक्टूबर एंड बोला होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा उसमें ठीक है आप वो टेंशन ना लो जो आपको कमिट किया गया वो होगा फिर उसके लिए चाहे सेशन बढ़ाने पड़े कुछ भी करना पड़े <laughs> नहीं आदेश अभी विनय सर को उसके बारे में आइडिया नहीं है जो अभी दो हफ्ते बाद में करने वाला हूं ठीक <laughs> है एंड uh, क्या कहते हैं जो सब्सक्रिप्शन बच्चे लेना चाहते हैं बेटा आपको ये कॉस्ट पे करना है वन मंथ ट्रायल के लिए और अगर आप पूरे दो साल का दो साल का पूरा लेना चाहते हो कोर्स तो वो ये प्राइस में आपको मिलेगा आप एनी टाइम बाद में अपग्रेड कर सकते हो डाउट ऐप या पर्सनल मेंटर के लिए वो ओपन होता है आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो ठीक है और प्रोसीजर बहुत आसान होता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है मैं दिखा देता हूँ आपको तो आप क्या करो कि इसी सेशन में अगर आप ओपन कर लोगे ना होम पे आ जाते हैं यहाँ इस सेशन को ओपन कर लो नीचे जाओगे आपको शो मोर में यहाँ पे मिल जाएगा ये रहा इलेवंथ का आपको इसको क्लिक करना है बस ठीक है इसको क्लिक करते ही आप नीचे आओगे यहाँ पे अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप पूरे पे क्लिक कर दोगे यहाँ लिखा हुआ है बाय कंप्लीट कोर्स ये दो साल की फीस है पूरे ओके कंप्लीट फिजिक्स मिस्ट्री मैथ आपको पहले वन मंथ ट्राई करना तो आप ट्राई वन मंथ कर देंगे यहाँ पे आपसे लॉग इन करने को बोलेगा कर देना यहां मैंने लॉग इन किया हुआ इनके तो सीधे खुल गया हैं आपसे लॉग इन मांगेगा पहले बस उसके बाद आप पे करेंगे एंड आपके जो होम पेज पे कोर्स दिखने शुरू हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आपके कोर्स दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे ये मैंने एक स्टूडेंट आई से लॉग किया हुआ तो उसकी इस वक्त ये क्लास चल रही है सौरभ सर की क्लास चल रही है और आपके जो कोर्सेज आपको यहाँ दिखने शुरू हो जाते हैं हमारी कोर्सेज़ में यहाँ पर आपके कोर्सेज आ जाते हैं तो बहुत सिंपल सा इंटरफेस है बहुत ईजी रहता है ठीक है अगला सेशन कब है इसका बेटा आ, एक मिनट मैं शेड्यूल मैंने आ, बेटा मैं जरा अभी एक काम करता हूँ सेशन के इमीजिएटली बाद टेलीग्राम चैनल और अपनी कम्युनिटी पे शेड्यूल पूरा हफ्ते का शेयर करवा देता हूँ अभी के अभी ओके okay, इसमें पहले शेयर था डला हुआ था स्लाइड मैंने रिमूव किया उसमें कुछ सेशंस मिसिंग थे अभी तो वो कंप्लीट शेड्यूल नहीं था इसलिए मैंने रिमूव कर दिया तो अभी के अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर और जो अपना वाई का कम्युनिटी हमारे चैनल का उसमें शेयर करवा देता हूँ पंद्रह मिनट में आपको मिल जाएगा आप वहाँ देख लीजिएगा पूरे हफ्ते का शेड्यूल ठीक है चलो विद दैट अभी रखते हैं गॉड ब्लेस यू मज़े करो और तैयारी को टॉप पे लेके जाओ, ठीक राजेश माय आंसर विल बी यस बट कंप्लीट उसकी आपको दो हफ्ते में पता लगेगा कैसे पर आंसर इज यस ठीक है ओके okay, बेटा देखते हैं गेमर्स पॉइंट कुछ ना कुछ बना रहा हूं मैं टेंशन मत लो ठीक है ओके टेक केयर गॉड ब्लेस यू